नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म अन अकेडमी अभियान पर उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे और 19 जून को जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी आपने बखूबी कर ली होगी और जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आने वाले वीडियो से आपको उसमें हेल्प मिले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने अन अकेडमी अभियान के प्लेटफॉर्म को तीन लाख के परिवार पर पहुंचा दिया है नाउ वी आर द फैमिली ऑफ थ्री लैख पर्सन हम तीन लाख लोग हो चुके हैं परिवार में तो इसके लिए आपका बहुत बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और मैं भी अपनी तरफ से और हमारी पूरी टीम जितना हो सकेगा उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर करेंगे दोस्तों तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इकाई का अध्ययन एम पी पी में जो यूनिट नाइन का सिलेबस है वो आज से हम शुरू करेंगे और तकरीबन पंद्रह से बीस मई तक हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे इस यूनिट का नाम आपको पता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो इस पूरी यूनिट में हमें आईसीटी के बारे में पढ़ना है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है देखिए मैंने आपसे तीन प्रॉमिस किए थे कि मैं आपको यूनिट टेन कवर कराऊंगा जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी है दोस्तों फिर मैंने आपसे कहा था कि यूनिट नाइन हम कवर करेंगे जिसकी शुरुआत आज से हमने कर दी है पंद्रह से बीस मई तक हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे उससे पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे और तीसरा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस बार हम पूरा यूनिट एट स्टैटिक और करंट दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो यूनिट एट मैंने शुरू कर दी है अन अकेडमी की जो फ्री स्पेशल क्लासेस अगेन गाइस फ्री स्पेशल क्लासेस जो है वहां पर मैंने यूनिट एट को शुरू किया है हमारे लगभग चार से पांच लेक्चर हो चुके हैं क्रिकेट से हमने उसे पढ़ना शुरू किया है हम अभी स्टेटिक जीके पढ़ रहे हैं फिर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो अगर अब तक आपने यूनिट एट की क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार मेरी प्रोफाइल पर जाइए अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए शुभम गुप्ता सर्च कीजिए वहाँ आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी उसमें फ्री क्लासेस पर जाइए फ्री स्पेशल क्लास पर तो वहाँ आपको मेरी पूरी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी जो मैंने कंडक्ट की है यूनिट एट के लिए ठीक है तो यूनिट एट आपका चल रहा है थर्टी मई को ख़त्म होगा यूनिट नाइन आज से हम शुरू कर रहे हैं हर दो या तीन दिन में आपको इसके वीडियोस मिलते रहेंगे वीडियोस की लेंथ बड़ी होगी क्योंकि मेरा मानना यह है कि ज़्यादा चीज़ों को हम एक टॉपिक में कवर करें इन स्टेट की मैं आपको एक एक घंटे का वीडियो बना करके दूँ ज़्यादा बड़ा टॉपिक जैसे आज का वीडियो है तो चार घंटे के आसपास का वीडियो होगा और बहुत सारे टॉपिक आज, आज आप कवर कर रहे होंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको बताना था कि वो क्लासेस वहां पर चल रही हैं तो प्लीज उन क्लासेस को जरूर आप देखिए यूनिट टेन मैंने कंप्लीट करा दी है प्लेलिस्ट में आपको इसके पूरे वीडियोस मिल जाएंगे एक वीडियो बचा हुआ है तीस अप्रैल को वो वीडियो भी हम जारी कर देंगे चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं तो आपका स्वागत है अन के प्लेटफॉर्म पर जहां हम आई पढ़ने वाले हैं ये तो आपको पीपीटी जो मिलेगी तो उसके बाद आपको एक ये इंडेक्स मिलेगा हर पीपीटी में जहां लिखा रहेगा कि कौन से उस पर कौन सा टॉपिक है ठीक है आ, अब एक बात और बता दूं कि अन अकेडमी की जो प्लस क्लासेस हैं या पेड क्लासेस हैं वहां पर मैंने ये सारे मुख्य परीक्षा के सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं एक विषय हम जैसे ही प्रिलिम्स खत्म होगा हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे दो से ढाई महीने का हिस्ट्री का कोर्स होगा जिसमें मॉडर्न मिडेवल एंशेंट और एमपी की हिस्ट्री हम कवर करेंगे ये वो सारे कोर्स हैं जो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं सारी चीजें मुख्य परीक्षा के लिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये पूरा का पूरा पेपर कंटेंट वहाँ मिलेगा तो अगर आप अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ यूज माई कोड एस जी लाइव दो साल का सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपको चौबीस महीने में मिलेगा दो साल का सब्सक्रिप्शन आपको चौदह हजार आठ रुपए रुपये में मिलेगा अगर आप मेरा कोड एस जी लाइव इस्तेमाल करते हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपको दो साल का कोर्स चौबीस हजार रुपये में मिलेगा अगेन अगर आप मेरा कोड एस जी लाइव इस्तेमाल करते हैं अनकेडमी की क्लास को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरा कोड एस जी लाइव जरूर इस्तेमाल करें चलिए क्लास शुरू करते हैं तो आज की क्लास में हमारे दो बड़े टॉपिक हमें कवर करने हैं जो इसका पहला सेक्शन होगा 30 से 40 मिनट का वहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस और स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना है पहले सेक्शन में दोस्तों हम बात करेंगे पिछले वर्षों के प्रश्नों की हम पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम एक रणनीति पर बात करेंगे और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्लास किस तरीके से होगी पीडीएफ आपको किस तरीके से दिया जाएगा तो जो भी आपके बेसिक प्रश्न क्लास से जुड़े हुए हैं 30 से 40 मिनट में पहले हम उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि अब चूंकि एक पेपर हो चुका है हम जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारे लिए भी आसान है कि अगर हम पहले स्ट्रेटेजी वगैरह को डिस्कस कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लें तो एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाना है दूसरी बात फिर हम एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे और पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा इसके वीडियो आपको दो भागों में मिलेंगे आज हम पहला भाग पढ़ेंगे और कल या परसों की क्लास में हम दूसरा भाग पढ़ेंगे ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपके इंटायर सिलेबस का अगर पूरा यूनिट नाइन आप पढ़ेंगे तो जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो यही है आई सी टी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय आते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट आते हैं तो उसको फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे और आज हम संचार के बारे में बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है अब एक बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा सभी लोगों के दिमाग में कि सर पिछले बार जो हमने यूनिट नाइन के वीडियोस देखे थे तो क्या हमें दोबारा से वीडियो देखना है सर हमें दोबारा से पीडीएफ पढ़ना है मेरा आंसर होगा यस आपको दोबारा से वीडियोस देखना है दोबारा से आपको पीडीएफ पढ़ना है क्योंकि यूनिट नाइन में खास तौर पर दो टॉपिक एक आईसीटी वाला टॉपिक दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक की वाला टॉपिक यहाँ ऑलमोस्ट मैंने सिक्सटी टू एटी परसेंट अपडेट किया आप समझ सकते हैं कि कितना सारा कंटेंट हमने ऐड किया है जब मैं कह रहा हूं कि इन दो टॉपिक में 60 to 80 का अपडेट है। इसके अलावा जो दूसरे बचे हुए टॉपिक तो उसमें भी कम से कम आपको चालीस प्रतिशत का अपडेट मिलेगा फोर्टी परसेंट अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि नए वीडियोज ही आपको देखना है नई पी आपको पढ़ना है ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी कि आप पुराने वाले वीडियोस देखें अगर पुराने वीडियोस देखे भी हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखना है आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में चलिए तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नर नीति और परिचय पर बात करेंगे स्ट्रेटेजी और इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे दोस्तों पाठ्यक्रम की हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पिछले वर्षों के प्रश्नों को अब पाठ्यक्रम डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो यूनिट नाइन में दिए गए हैं वो पेपर थ्री की यूनिट फोर में भी दिए गए हैं तो अगर आप इन टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके पेपर थ्री की यूनिट फोर का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा और ऑलमोस्ट एटी यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी फिर हम डिस्कस करेंगे विश्लेषण एनालिसिस कि ये जो प्रश्न पूछे गए इस बार यूनिट नाइन से वो प्रश्न कौन से टॉपिक से आए थे जो हमने पिछले बार पढ़ा था उसमें से कितने प्रश्न पूछे गए थे ठीक है और फिर आखिरी में हम डिस्कस करेंगे रणनीति के बारे में स्ट्रेटेजी के बारे में अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि आप अप्रोच किस तरीके से करने वाले हो या फिर ओवरऑल प्रिपरेशन जो आपकी चल रही है उसमें कौन से वो बेस बेसिक पैरामीटर हैं जो आपको अपनाने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को सिलेबस को थोड़ा सा मैंने तोड़ा है अपने हिसाब से तो सिलेबस में कुल नौ टॉपिक दिए गए हैं जब आप एम का प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो उसमें यूनिट नाइन है और यूनिट नाइन का जो हैडिंग दी गई है दोस्तों उस हेडिंग में लिखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी इकाई की हैडिंग है ये पूरी यूनिट की हैडिंग है और इसी हेडिंग को उन्होंने एक टॉपिक बना करके भी दे दिया है इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि एमपीपीएससी का सिलेबस या फिर पेपर आधा तो वो होश में बनाते हैं पर आधा किस हालत में बनाते हैं वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है ठीक है अब इससे मेरा काम बहुत मुश्किल हो गया ना दोस्तों कि ये टॉपिक तो पढ़ाना ही है लेकिन बाकी पूरा का पूरा आईसीटी मुझे इस टॉपिक में कवर करना होगा क्योंकि एक आपने टॉपिक दे दिया या तो आपको ये नहीं देना था ठीक है तो हेडिंग क्या है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कुल नौ टॉपिक देखने के लिए मिलते हैं नाइन टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे एक टॉपिक है इसमें इंटरनेट सभी जानते हैं इंटरनेट क्या होता है तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ते हैं इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट को बनाने के लिए या इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंटरनेट के प्रोटोकॉल कितने टाइप के हैं भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इंटरनेट के नियमन का काम करती हैं? तो ये सारी बातें हमें इंटरनेट के टॉपिक में पढ़नी होती है खास तौर पर इंटरनेट की डिवाइस और इंटरनेट के प्रोटोकॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स और डिवाइस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है फिर दूसरा टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग साइट ये इंटरनेट का एक हिस्सा ही है तो अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से परिचित हैं सच्चे फेसबुक हो गया ठीक है तो इंस्टाग्राम हो गया ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है जो समाज के नेटवर्क को बनाए समाज के नेटवर्क का मतलब लोगों को जो आपस में जोड़ने का काम करे ऐसी साइट को हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है यहाँ पर एक तो हमें इनके मॉडल्स को समझना है कि ये किस मॉडल पर काम करती हैं साइट और दूसरा फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए हमें ये डिस्कस करना है कि भैया कितने प्रकार कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं कब इनकी शुरुआत हुई कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है इंडिया में जैसे अभी आपको पता है कू बहुत चल रहा है एक ट्विटर की तरह बनाई गई साइट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फिर है साइबर सिक्योरिटी अगेन ये भी इंटरनेट का ही एक हिस्सा है इसीलिए हम इन टॉपिक को क्लब करके पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का मतलब आप जानते ही हैं तो साइबर सिक्योरिटी मतलब ये होता है कि इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें किस प्रकार की सेफ्टी का ध्यान नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म अन अकेडमी अभियान पर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे और 19 जून को जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी आपने बखूबी कर ली होगी और जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आने वाले वीडियो से आपको उसमें हेल्प आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार तब आपको दो साल के लिए ज्यादा यूज मेरा काम बहुत मुश्किल हो गया ना दोस्तों कि ये टॉपिक तो पढ़ाना ही है लेकिन बाकी पूरा का पूरा आईसीटी मुझे इस टॉपिक में कवर करना होगा क्योंकि एक आपने टॉपिक दे दिया या तो आपको ये नहीं देना था ठीक है तो हेडिंग क्या है सूच अपने हिसाब से तो सिलेबस में कुल नौ टॉपिक दिए गए हैं जब आप एम का प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो उसमें यूनिट नाइन है और यूनिट नाइन का जो हेडिंग दी गई है दोस्तों उस हेडिंग में लिखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी इकाई की हेडिंग है ये पूरी यूनिट की हेडिंग है और इसी हेडिंग को उन्होंने एक टॉपिक बना करके भी दे दिया है इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि एम का सिलेबस या फिर पेपर आधा तो वो होश में बनाते हैं पर आधा किस हालत में बनाते हैं वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है ठीक है अब इससे मेरा काम बहुत मुश्किल हो गया ना दोस्तों कि ये टॉपिक तो पढ़ाना ही है लेकिन बाकी पूरा का पूरा आईसीटी मुझे इस टॉपिक में कवर करना होगा क्योंकि एक आपने टॉपिक दे दिया या तो आपको ये नहीं देना था ठीक है तो हेडिंग क्या है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कुल नौ टॉपिक देखने के लिए मिलते हैं नाइन टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे एक टॉपिक है इसमें इंटरनेट सभी जानते हैं इंटरनेट क्या होता है तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ते हैं इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट को बनाने के लिए या इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंटरनेट के प्रोटोकॉल कितने टाइप के हैं भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इंटरनेट के नियमन का काम करती हैं तो ये सारी बातें हमें इंटरनेट के टॉपिक में पढ़नी होती है खास तौर पर इंटरनेट की डिवाइस और इंटरनेट के प्रोटोकॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स और डिवाइस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है फिर दूसरा टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग साइट ये इंटरनेट का एक हिस्सा ही है तो अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से परिचित हैं सच फेसबुक हो गया ठीक है तो इंस्टाग्राम हो गया ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है जो समाज के नेटवर्क को बनाए समाज के नेटवर्क का मतलब लोगों को जो आपस में जोड़ने का काम करे ऐसी साइट को हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है यहाँ पर एक तो हमें इनके मॉडल्स को समझना है कि ये किस मॉडल पर काम करती हैं साइट और दूसरा फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए हमें ये डिस्कस करना है कि भैया कितने प्रकार कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं कब इनकी शुरुआत हुई कहाँ पर इनका हेडक्वाटर है इंडिया में जैसे अभी आपको पता है कू बहुत चल रहा है एक ट्विटर की तरह बनाई गई साइट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फिर है साइबर सिक्योरिटी अगेन ये भी इंटरनेट का ही एक हिस्सा है इसीलिए हम इन टॉपिक को क्लब करके पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का मतलब आप जानते ही हैं तो साइबर सिक्योरिटी मतलब ये होता है कि इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें किस प्रकार की सेफ्टी का ध्यान का एक हिस्सा ही है तो अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया आ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से परिचित हैं सच एस फेसबुक हो गया ठीक है तो इंस्टाग्राम हो गया ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है जो समाज के नेटवर्क को बनाए समाज के नेटवर्क का मतलब लोगों को जो आपस में जोड़ने का काम करे ऐसी साइट को हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है यहाँ पर एक तो हमें इनके मॉडल्स को समझना है कि ये किस मॉडल पर काम करती हैं साइट और दूसरा फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए हमें ये डिस्कस करना है कि भैया कितने प्रकार कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं कब इनकी शुरुआत हुई कहाँ पर इनका क्वार्टर है इंडिया में जैसे अभी आपको पता है कू बहुत चल रहा है एक ट्विटर की तरह बनाई गई साइट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर है साइबर सिक्योरिटी अगेन ये भी इंटरनेट का ही एक हिस्सा है इसीलिए हम इन टॉपिक को क्लब करके पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का मतलब आप जानते ही हैं तो साइबर सिक्योरिटी मतलब ये होता है कि इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें किस प्रकार की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए अब इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात तो कौन कौन से खतरे हैं तो इसमें हम कंप्यूटर के वायरसेस की बात करते हैं और फिर इन खतरों का समाधान क्या है तो इसमें नई नई तकनीकें आती हैं जैसे ब्लॉक तकनीक आती है बहुत ही फेमस तकनीक है जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो करेंसीज बनाई जाती हैं तो ये इनके बचाव के तरीके हैं कि कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा इनसे बचा जा सकता है ठीक तो वो हम डिस्कस करेंगे फिर एक और टॉपिक है ई-कॉमर्स अगेन ई-कॉमर्स के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि ई-कॉमर्स क्या होता है तो एक बेसिक सा इंटरनेट प्लेटफार्म है जहां पर आप वस्तुएं खरीद और बेच सकते हैं वस्तुएं और सेवाएं खरीद और बेच सकते हैं जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज को सेल या परचेस कर सकते हैं अब इसमें भी दो टॉपिक आएंगे एक इसका थ्योरिटिकल पार्ट आएगा जहां ई e कॉमर्स के अलग अलग मॉडल्स की हम बात करेंगे और फिर दूसरे हिस्से में हमें अलग अलग ई कॉमर्स साइट कब बनाई गई कैसे बनाई गई वो टॉपिक डिस्कस करना है ठीक है फिर ई e कॉमर्स के बाद अगला टॉपिक दिया गया है दोस्तों ई गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई e गवर्नेंस सरकार में सूचना या प्रशासन में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को ई गवर्नेंस कहा जाता है यूज ऑफ आई सी टी इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज गवर्नेंस यहां पर भी वही बातें हैं यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं तो मल्टीपल इनिशिएटिव लिए हैं सरकार ने आई ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रगति का नाम आपने सुना होगा बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जैम पोर्टल जो बनाया है सरकार ने ठीक है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है तो इन सभी पोर्टल्स की इंफॉर्मेशन हमें पढ़ना है और चूंकि एक प्रश्न यहाँ पर मॉडल से पूछा गया है ई e गवर्नेंस के गार्डनर वाला जो प्रश्न आया था तो वो भी हमें डिटेल से पढ़ना होगा कि प्रश्न कहीं से भी आ रहे हैं तो हम मॉडल्स की भी बात करेंगे ई e गवर्नेंस के वो तो हमने पढ़ ही लिए थे बिजनेस टू बिजनेस वाले मॉडल तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा वो ऑलरेडी हम कवर करेंगे फिर इसके बाद हमें बात करनी है छुटवे टॉपिक में रोबोटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो प्रश्न पूछे गए आई गेस रोबोटिक्स से एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न था एक थोड़ा मुश्किल प्रश्न था ठीक है तो रोबोट के बारे में पढ़ना है एक तो डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है रोबोट के क्षेत्र में क्या अभी करंट इसके ट्रेंड हैं और कुछ अगर फोर्थ कमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे हमने वो पढ़ाई था बेसिक इसके हमने पिछले बार भी कवर किए थे तो उन्हें तो दो बि है हम दोबारा दोहराएंगे कि रोबोटिक्स के नियम क्या होते हैं लॉज ऑफ़ रोबोट क्या होते हैं तो ये तो बट नेचुरल सी बात है हम कवर करेंगे पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है इसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए बहुत चलता है ठीक है वर्चुअल रियलिटी ए ये नए नए शब्द हैं और ए से तो आजकल हम रूबरू होने लगे हैं अलग अलग फोन में ए तकनीक दी जाती है फोटो कैप्चर करने के लिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हमें पढ़ना है अगेन इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं इसमें थोरिटिकल पोर्शन ज्यादा है कि ए के प्रकार कितने होते हैं क्या होता है तो वो ज्यादा हम डिस्कस करेंगे और इसी से जुड़े हुए कुछ शब्दों को भी हम डिस्कस करेंगे जैसे वर्चुअल रियलिटी क्या होता है इन चीजों की बात करेंगे फिर आता है इस इकाई का सबसे बड़ा टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सबसे बड़ा पार्ट इसलिए है कि ये जो सारी बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनेट ये सभी एक्चुअली में इसका भाग है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में पहले बात तो आपको इनके बेसिक को पढ़ना होता है जैसे नेटवर्क क्या होता है स्विचिंग तकनीकें क्या होती हैं फिर आपको पढ़ना होता है कि संचार के क्या क्या प्रकार हैं संचार के क्या क्या मॉडल हैं? फिर आपको ये भी पढ़ना होता है दोस्तों कि जो इसमें अलग अलग डिवाइस है अब आपको पता है आईसीटी की डिवाइस में क्या आता है तो आईसीटी की डिवाइस में एक डाक घर भी आता है वो शुरुआत मानी जाती है आईसीटी की हालांकि उसमें सिर्फ संचार था लेकिन उसे भी इसका हिस्सा माना जाता है डाकघर के अलावा टेलीफोन टेलीफोन के बाद आप देखेंगे मोबाइल फोन मोबाइल फोन के बाद रेडियो और सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस कंप्यूटर इसका हिस्सा है मोबाइल रेडियो टेलीफोन डाक ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक बड़ा है तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे पहला हिस्सा हम आज पढ़ेंगे जिसमें एक्चुअली तीन भाग हैं। तो मैं बता दे रहा पहले भाग में हम संचार के बारे में बात करेंगे जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में हम इनके उपकरणों की बात करेंगे हम रेडियो की बात करेंगे टेलीफोन की बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे और मोबाइल की बात करेंगे सर कंप्यूटर की बात क्यों नहीं कर रहे कंप्यूटर की बात इसलिए नहीं क्योंकि इस बार हम कंप्यूटर के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे पूरा कंप्यूटर तो मैं पढ़ा नहीं सकता आपको वो पॉसिबल ही नहीं है लेकिन कंप्यूटर के जो बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम एक अलग से वीडियो बना करके कवर करेंगे तो आईसीटी में एक्चुअली तीन लेक्चर देखने मिलेंगे आज का पहला लेक्चर जो इसका पहला भाग है फिर दूसरा भाग और तीसरे भाग में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न तो कंप्यूटर से पूछे गए हैं दोबारा भी चांसेस हैं कि कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएं तो इन चीजों को हम इस तरीके से कवर करेंगे और फिर आखिरी में आता है इलेक्ट्रॉनिकी अगेन ये भी बहुत बड़ा पोर्शन है लेकिन हमें चूंकि बी के लिए पढ़ना है तो जो पिछले बार हमने बातें पढ़ी थी लगभग लग, वही बातें हमें दोबारा पढ़नी है एस सच बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं रहेगा उन्हीं टॉपिक को हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत अपडेट जो भी उसमें जरूरी है वो हम कर देंगे तो ये आपका टॉपिक हो गया अब ये तो सिलेबस हो गया उम्मीद करता हूं कि सिलेबस आपको समझ में आ गया सर हम किस तरीके से सिलेबस को पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम आईसीटी को कवर करेंगे और इसमें आपको दो वीडियोस देखने मिलेंगे फिर दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर की हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और इसका पूरा एक सिंगल वीडियो देखने मिलेगा और लगभग सभी बातें कंप्यूटर से जुड़ी हुई हम एक वीडियो में कवर करेंगे चार साढ़े चार पांच घंटे का वीडियो आएगा उसमें कंप्यूटर पूरा कवर हो जाएगा फिर हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे अब यहां से आप देखें चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट पांचवें इनके सबके एक एक वीडियो आएंगे पांचवें नंबर पर हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी छठवें नंबर पर हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सातवें नंबर पर हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स आठवें पर ई e गवर्नेंस नौवे नंबर पर रोबोटिक्स और दसवें नंबर पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकी तो ये दस क्यों हो गए क्योंकि हमने यहां पर एक टॉपिक बढ़ा दिया कंप्यूटर सर नंबर ऑफ वीडियो कितने होंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो लगभग लग बारह के आसपास आपके वीडियोस आ जाएंगे क्योंकि दो वीडियो नहीं ग्यारह वीडियो आएंगे टोटल इलेवन वीडियोस आपको देखने मिलेंगे इस पूरे टॉपिक में ठीक है एमसीक्यू भी हम लगाएंगे जैसा हमने पिछले बार आयोग के वीडियोस में किया था वही तकनीक हम इस बार भी अपनाएंगे पहले एक पूरे सेगमेंट में आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा फिर जब हम अगला सेशन शुरू करेंगे तो उससे पहले हम 50 से 60 एमसीक्यू लगाएंगे 50 से 60 हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये उम्मीद करता हूं कि सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर हो गया है कि सिलेबस इस तरह से डिकोड होगा और ये सिलेबस के बारे में सारी बातें हैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्लियर है ठीक चलिए तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम पिछले वर्षों के प्रश्नों की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं अच्छा जी एक चीज और रह गया बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो माफ कीजिए कि मेंस में आपको कैसे काम आएगा ये पूरा सिलेबस तो देखिए मुख्य परीक्षा में पेपर थ्री यूनिट फोर जब आप पेपर थ्री यूनिट फोर का सिलेबस उठाइए तो उसमें कुल आपको सात टॉपिक दिए गए हैं पहला टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार विशेषताएं एवं पीढ़ी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक एंड जनरेशन तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा दोस्तों ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा अलग से आपको नहीं पढ़ना है तो ये पहला टॉपिक कवर यहीं पर फिर दूसरा है मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग इसमें सिर्फ एक टॉपिक छोड़ दें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग बाकी ये पूरा टॉपिक कवर होगा हम मेमोरी भी पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस भी पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे और विंडोज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे फिर तीसरा है कंप्यूटर की भाषाएं सिर्फ ये टॉपिक कवर होगा इसमें ये कवर नहीं होगा कंपाइलर कवर नहीं होगा ट्रांसलेटर कवर नहीं होगा इंटरप्रेटर कवर नहीं होगा और असेंबलर कवर नहीं होगा पर कंप्यूटर की भाषाएं कवर हो जाएंगी इंटरनेट और ईमेल ये पूरा टॉपिक कवर होगा सोशल मीडिया अर्थात सोशल नेटवर्किंग साइट ये पूरा टॉपिक कवर होगा ई गवर्नेंस ये भी पूरा टॉपिक कवर होगा विभिन्न उपयोगी पोर्टल साइट्स और वेब पेज ये भी पूरा टॉपिक कवर होगा तो जब आप यूनिट नाइन पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि पेपर थ्री की यूनिट फोर बहुत हद तक कवर हो जाए जो कवर नहीं होगा वो ये है कंपाइलर ट्रांसलेटर और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग ये टॉपिक कवर नहीं होंगे बाकी आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा करना क्या होगा आपको कि जब आप इसे मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ेंगे तो इन्हें प्रश्न उत्तर के रूप में बना लीजिएगा इन्हें क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट पर बना लेना प्रश्न अपने आप से आप बना लोगे कंप्यूटर की भाषाएं क्या है समझाइए नंबर में प्रश्न आ जाएगा फेसबुक तो फेसबुक के बारे में लिख दीजिएगा तीन नंबर में आ गया गूगल तो गूगल के बारे में लिख लीजिए जैम के बारे में आ सकता है अगेन तीन नंबर का प्रश्न बन जाएगा तो ये पूरे टॉपिक मुख्य परीक्षा में जो यूनिट फोर पेपर थ्री है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया बस थोड़ा सा दस परसेंट का एफर्ट आपको लगाना है 90 परसेंट आपका यहीं पर यह टॉपिक खत्म हो जाएगा ओके okay, तो ये यह यहां पर आपको हेल्प करेगा ठीक उम्मीद करता हूं यह सारी चीजें आपके दिमाग में बड़ी आसानी से क्लियर हो रही हैं आगे बढ़ते हैं अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे पिछले साल दस प्रश्न आए सात प्रश्न हमारे टॉपिक से आए थे अगर आपने पिछले बार पढ़ा है तो यूनिट नाइन से सात प्रश्न पूछे गए थे तीन प्रश्न नहीं पूछे गए थे और मैं मानता भी हूँ कि आने भी नहीं चाहिए पूरे प्रश्न छह से सात आठ इतने ही प्रश्न अगर आ गए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी ठीक है पहला प्रश्न है कि किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम्ड व्योमित्रा तो आसान प्रश्न था ये इसका आंसर आपको पता है सभी को पता है इसरो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था और ये कहां से पूछा ये प्रश्न आया कहां से है दोस्तों तो ये प्रश्न रोबोटिक्स वाले टॉपिक से पूछा गया है रोबोटिक्स से ये प्रश्न आया है और इसका सही जवाब है इसरो तो आपको पता है कि इसरो एक मिशन पर काम कर रहा है ठीक है जिसके द्वारा ह्यूमन में स्पेस uh, में ह्यूम को भेजना है तो उसी के स्पेसशिप के लिए एक रोबोट भी डिजाइन किया गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों व्योम मित्र ठीक है चलिए तो ये आसान प्रश्न है ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक कवर किया था दूसरा है कि गार्टनर के अनुसार चार चरण परिपक्वता मॉडल को व्यवस्थित किया जा सकता है according to gartner four phase maturity model can be arranged in sequence as ये प्रश्न कहां से आया है ये प्रश्न दोस्तों ई e गवर्नेंस से पूछा गया ये ई e गवर्नेंस का क्वेश्चन है ठीक है ई e गवर्नेंस के कुछ मॉडल होते हैं वहीं पर एक गार्टनर का मॉडल भी आता है ऑप्शन क्या-क्या दिए गए थे अब देखो हिंदी में पढ़ोगे बहुत कंफ्यूज होगे इंग्लिश में आसान है ट्रांजिक्शन इंटरेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इंटरेक्शन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन डी अगर इस प्रश्न को आप देखें तो ये ई गवर्नेंस से आया था और इसे मैं डिफिकल्ट प्रश्न कहूंगा कठिन प्रश्न कहूंगा लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएंगे और अगर आपको एक बेसिक तरीका पता है कि संचार होता कैसे है तो देखो सबसे पहली बात तो संचार में सूचना आती है इंफॉर्मेशन आती है तो यार यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन है तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और सी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा दो ऑप्शन बचते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्योंकि यहां पर भी सूचना से शुरुआत हो रही है और यहां पर भी सूचना से शुरुआत हो रही है ठीक है फिर सूचना के बाद सहभागिता आती है फिर लेन देन होता है और फिर उसमें परिवर्तन की बात कही जाती है तो इसका आंसर डी है तो अगेन कई जगह कॉमन सेंस भी काम आएगा पर यह बहुत मुश्किल प्रश्न था ये बहुत टिपिकल प्रश्न था ये मुझे लगता है शायद कवर नहीं पर हमने तो कवर नहीं किया था और जहां तक उस समय जो किताबें आई थी वो भी मैंने पढ़ी थी तो यह प्रश्न उसमें कवर नहीं था अगेन मुश्किल प्रश्न है ठीक है तो ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे घबराना नहीं है एक प्रश्न के पीछे अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे कि सर एक प्रश्न नहीं आ रहा तो हम क्या पूरा पुराण पढ़ने बैठ जाए नहीं एक दो प्रश्न बाहर के होते हैं शुरू से आपको बताया है कि एट्टी 20 का रेशियो एग्जाम में चलता है 80 प्रश्न 80 प्रश्न या 75 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य विद्यार्थी सॉल्व कर सकते हैं और 20 से 25 प्रश्न ऐसे आते हैं जो नहीं बनते जो बहुत मुश्किल डाले जाते हैं हिस्ट्री के प्रश्न इस बार कुछ ऐसे पूछे गए आईसीटी में दो तीन प्रश्न बहुत ऐसे पूछे गए जो जनरली आपसे नहीं बनेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों तीसरा प्रश्न है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में किस प्रकार सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है अ सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयोग ने इसका आंसर गलत कर दिया था इसके दोनों आंसर सही हैं कि ग्राफ और ट्री दोनों ही रूप में सोशल नेटवर्किंग को प्रेजेंट किया जा सकता है ठीक है और खास तौर पे इसका आंसर ट्री जनरली होता है कि सोशल नेटवर्किंग कभी भी ये हैं दोस्तों अलग अलग हमने पिछले बार टॉपोलॉजी पढ़ी थी स्टार और रिंग तो स्टार में तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है ठीक है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो जनरली इसका आंसर क्या होता है ट्री होता है दोस्तों और इसका आंसर ग्राफ भी है तो आयोग ने इसके दो आंसर बताए थे ये कहां से पूछा गया प्रश्न है तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट से पूछा गया प्रश्न है आंसर होगा ए और बी दोनों ठीक है चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा था याद है आप लोगों को इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स आईपी वर्जन सिक्स प्रोटोकॉल में आईपी के पते को परिभाषित करता है तो ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से इसका सही जवाब है सी वन ट्वेंटी एट बिट आईपी एक इमेज डिस्कस की थी हमने उसमें आईपी प्रोटोकॉल फोर और आईपी का जो सॉरी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स दोनों के अंतर को हमने डिस्कस किया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है प्रश्न तो आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकिन प्योर लॉजिकल प्रश्न है प्योर कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है इंग्लिश में पढ़ते हैं इट इज मेथड ऑफ मेकिंग ऑथेंटिक प्रडिक्शन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस नाउ प्रश्न पढ़िए यहीं पर कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी लेकिन पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं ताकि आपके दिमाग में और भी चीजें स्पष्ट हो जाएं देखो एक दिया गया है सोशल नेटवर्किंग ऐसे सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं जो वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बना दे दूसरा क्या सोशल लक्ष्यकरण बोलते हैं सोशल टारगेटिंग बोलते हैं सहयोगात्मक प्रकाशन बोलते हैं कोलेबरेटिक पब्लिशिंग बोलते हैं या सहयोगात्मक फिल्टरिंग बोलते हैं कोलेबरेटिक फिल्टरिंग बोलते हैं तो बस एक शब्द जो आपको यहां समझ में आएगा वो फिल्टरिंग ये चलो छोड़ दो ये कोई मतलब नहीं है लेकिन इस टॉपिक को पढ़ो वरीयताएं मतलब आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं तो मान लो प्रेफरेंस का मतलब ही क्या होता है अगर आपके पास खाने की दस चीजें हैं तो इसमें से आपको प्रेफरेंस बताना होगा कि भाई चार चीजें मुझे पसंद है तो आपने क्या किया दस में से जो चार चीजें थी उनको फिल्टर कर दिया प्रेफरेंस का मतलब ही होता है फिल्टरिंग करना तो ये एक बहुत कॉमन सेंस पर बेस्ड प्रश्न था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया था अब आपको मेरी बात याद रखनी चाहिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना शुरू करो ठीक है दिमाग लगाना शुरू करो टॉपिक पढ़ोगे प्रश्न पढ़ोगे बार बार उसे रीड करोगे अगर विषय की थोड़ी भी समझ है तो ऐसा करके मान लीजिए ऐसे 20 कठिन प्रश्न आए तो कम से कम पांच से छह का तो सही आंसर आप दे दोगे अपना लॉजिक लगा करके हर जगह तो काम नहीं आता कई जगह आंसर ही अजीब हो जाते हैं पर जहां लॉजिक लग सकता है वहां आपको मेहनत करनी चाहिए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि ये टॉपिक कवर हो सके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं छठवे प्रश्न की ओर प्रश्न है एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है पढ़ा था हमने कंप्यूटर वाले टॉपिक में आईसीटी में टाइप ऑफ मेमोरी विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी देखो यहां पे हिंदी में समझ नहीं आएगा इंग्लिश में क्लियर है कि विच इज नॉट कौन इसमें से सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है या द्वितीयक या माध्यमिक मेमोरी नहीं है तो हम सभी जानते हैं दोस्तों प्रश्न सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से पूछा गया है उसमें भी कंप्यूटर वाले टॉपिक से पूछा गया है और इसका सही जवाब है सी रैंडम एक्सेस मेमोरी या आर एन ठीक है एक कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है एक प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और यहाँ उसने पूछा था कि कौन सी सेकेंडरी नहीं है तो जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है ना कि सेकेंडरी मेमोरी तो रैम और रोम दो ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं प्राथमिक मेमोरी होती है और हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी फ्लॉपी पेन ड्राइव ये दिख रहा है ना आपको ये वाली सीडी देख लो पेन ड्राइव देख लो ठीक है मेमोरी कार्ड देख लो ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आता है ये सब द्वितीयक मेमोरी में आता है क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट हिस्सा होते हैं और ये कंप्यूटर को रन करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये प्राइमरी मेमोरी में आती है और ये सब हम बाहर से इंसर्ट कर सकते हैं फ्लॉपी सी डी डी वी डी हार्ड डिस्क ये सब चीजें सेकेंडरी मेमोरी में आएंगी तो ये आसान प्रश्न था कैटेगरी का क्वेश्चन था जो यहां से पूछा गया था ठीक है अब हम सातवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं प्रश्न है एक्स एम एल का फुल फॉर्म क्या है वॉट इज एक्स एम एल स्टैंड फॉर ये हमने कवर नहीं किया था दोस्तों एक्स एम एल का फुल फॉर्म क्या है ये टॉपिक कहां से आया है आईसीटी आईसीटी में भी कंप्यूटर और कंप्यूटर में भी कंप्यूटर लैंग्वेज वहां से ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही जवाब है माफ कीजिए कुछ हो रहा है इसमें सही चल रहा है इसका सही जवाब है बी ठीक है यहां देखिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये इसका सही जवाब है तो इस बार हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे अलग अलग जो भाषाएं होती हैं, एब्रीवियेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे ताकि जो प्रमुख एब्रीवियेशन है वो एटलीस्ट हमारे कवर हो जाए आठवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ें. प्रश्न है ये हमने एक डायग्राम दिया था इस प्रश्न का याद कीजिए माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं माइक्रोवेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और उनकी आवृत्ति की सीमा क्या होती है उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है तो ये एक आप नोट्स चेक करेंगे तो वहां पर एक डायग्राम हमने डिस्कस किया था जहां पर अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी और उनके नीचे लिखा हुआ था कि कौन सी कि वेवलेंथ कितना है और वेवलेंथ के नीचे आवृत्ति अब इतना तो शायद बेसिक कंसेप्ट है जो हम डिस्कस भी करेंगे आज की क्लास में कि तरंग धैर्य और आवृत्ति ये वित्क्रमानुपाती होती हैं इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है अभी बहुत से तो लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा परेशान नहीं होना है हम डिस्कस करने वाले हैं तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों इसका सही जवाब था सी ये भी संचार प्रौद्योगिकी से पूछा गया प्रश्न है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछा गया प्रश्न है एक्चुअली जितना भी संचार आज होता है दुनिया में वो पूरा संचार विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी बहुत सारे प्रकार हैं वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स रे रे तो इनमें फ्रीक्वेंसी और अलग अलग होती है ठीक है और जितना भी संचार अधिकांश संचार आज होता है उसमें हम रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं चाहे वो आपका इंटरनेट का वायरलेस कम्युनिकेशन हो इन सभी में हम रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी ऐसा ही एक डायग्राम डिस्कस किया था हमने ठीक तो ये था गामा रेड बहुत हार्मफुल होती हैं इसी से हम बोलते हैं कि ये ये रेडियो एक्टिव के आसपास किरणें हैं और ये बहुत ज्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है ये बहुत डेंजरस किरणें होती है तो हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल परेशान नहीं होना है बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है इसके बाद नौवा प्रश्न है ब्लू फिश क्या है ये हमने हम नहीं पढ़ा था ब्लू फिश इज अ टाइप ऑफ क्या है ब्लू फिश पूछा गया है इंग्लिश में देखें सिस्टमैटिक इनक्रिप्शन सिग्नेचर एल्गोरिदम एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम तो इसका सही जवाब है ए और यह प्रश्न कहां से पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है और यह बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रकार का क्वेश्चन है ठीक है तो ब्लू फिश क्या है दोस्तों एक प्रकार का इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दसवें और आखिरी प्रश्न की ओर रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है वॉट डस प्यूमा स्टैंड इन ऑफ रोबोटिक्स प्यूमा का फुल फॉर्म पूछा गया अगेन थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न था ये जो रोबोटिक्स से ये वाला प्रश्न पूछा गया रोबोटिक्स से दो प्रश्न आए एक काफी इजी था और ये वाला थोड़ा मुश्किल प्रश्न था तो प्यूमा का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली ठीक है इसके अलावा आप देखें प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली होता है और एक फुल फॉर्म और याद रखना यह पूछा जा सकता है एस सी ए आर ए सिलेक्टिव कंप्लाइंट असेंबली रोबोट आर्म स्ट्रक्चर तो ये भी आपको याद रखना है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो ये कुल दस प्रश्न पूछे गए थे अब इन दस प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं दोस्तों तो अब अगर हम दन इन दस प्रश्नों को देखें जो कि आई से पूछे गए थे लगभग छह से सात प्रश्न आसान थे जिन्हें हम पढ़ेंगे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर देखे हैं तब भी आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाए होंगे पर तीन चार प्रश्न काफी मुश्किल थे तो अगर इनका डिवीज़न आप देखें दोस्तों तो इंटरनेट से एक प्रश्न पूछा गया और वो बहुत आसान है आसान इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि ये हमने कवर भी किया था और मुझे लगता है लगभग जहां जहां से आपने पढ़ा होगा शायद सभी ने इस बेसिक टॉपिक को कवर किया होगा तो बहुत आसान सा प्रश्न इंटरनेट से पूछा गया था दूसरा सोशल नेटवर्किंग साइट यहाँ से भी एक प्रश्न आया था जो बहुत ईजी था हम जानते हैं कि उसमें ट्री टॉपोलॉजी ही बनती है ठीक है तो ये भी काफी आसान प्रश्न था साइबर सिक्योरिटी से एक प्रश्न आया और यह मुश्किल प्रश्न था ठीक है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो ब्लोफिस वाला प्रश्न इन्होंने पूछा था e कॉमर्स से कोई भी प्रश्न नहीं आया है नॉट सिंगल क्वेश्चन गवर्नेंस से एक प्रश्न आया और ये जो एक प्रश्न है वो गार्टनर का मॉडल वो मुश्किल प्रश्न था वो टिपिकल क्वेश्चन था आसानी से नहीं बनता दोस्तों फिर इलेक्ट्रॉनिकी से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से तीन प्रश्न पूछे गए ठीक है ठीक है तीन प्रश्न कहां से आए हैं आई सी टी से पूछे गए हैं और इसमें से भी जो दो प्रश्न है वो कंप्यूटर से आए हैं एक मेमोरी वाला प्रश्न और एक लैंग्वेज वाला प्रश्न और एक प्रश्न जो माइक्रोवेव वाला है वो संचार प्रौद्योगिकी से पूछा गया है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पूछा गया है रोबोटिक्स से दो प्रश्न आए हैं एक मुश्किल था और एक कठिन था मुश्किल प्रश्न में प्यूमा वाला प्रश्न आएगा और जो माफ कीजिए एक इजी था और एक डिफिकल्ट था तो इजी वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो व्योमित्र वाला प्रश्न है वो आएगा और जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आपका प्यूमा वाला प्रश्न आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक प्रश्न पूछा गया अगेन वो इजी इसलिए है कि वो बहुत कॉमन सेंस पर बेस्ड प्रश्न था तो उसे हमने आसान की कैटेगरी में रखा है ये तो हो गए पिछले सालों के प्रश्न और उनका विश्लेषण एनालिसिस ठीक है कि पिछले साल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए कहां कहां से प्रश्न आए थे अब ये प्रश्न आपको पढ़ाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि जब इस बार हम इन टॉपिकों को कवर करेंगे तो हम अपने डायमीटर को थोड़ा और बढ़ाएंगे हम अपने व्यास को थोड़ा और बढ़ाएंगे और ज़्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे आयामों को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो थ्योरिटिकल पोर्शन है उस पर भी हम कमांड स्टेब्लिश करेंगे पिछली बार जब हमने यूनिट नाइन पढ़ी थी तो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस फैक्चुअल चीजों पर था पर बहुत से प्रश्न थ्योरिटिकल पूछे गए दोस्तों तो इस बार हम थ्योरी वाले सेगमेंट पर भी काम करेंगे हम अलग अलग, अलग चीजों के मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे ये हमें पता चलता है ठीक है तो वो तो हम ध्यान देंगे इन चीजों को दिखाई भी देगा अगली चीज ये है रणनीति में आपको याद रखना है कि सात प्रश्न जो हमने पिछले बार पढ़ा था वहां से पूछे गए थे उम्मीद करेंगे कि इस बार भी छह से सात प्रश्न हमारे टॉपिक से पूछे जाएं मतलब ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि छह से सात प्रश्न तो कम से कम हमारे नोट से पूछे जाए जो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है कुछ प्रश्न तथ्यात्मक थे और कुछ वहन गहन विश्लेषण वाले प्रश्न थे तो बहुत से प्रश्न आपको फैक्चुअल देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों पर बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो थ्योरिटिकल पार्ट से पूछे गए तो हमने डिस्कस भी किया कि गार्टनर वाला प्रश्न आप ले लीजिए वो थ्योरी वाले पोर्शन से आया था ठीक है फिर जो ब्लोफिश वाला प्रश्न है वो भी एक फैक्चुअल पर थ्योरी भी उसमें लगती है बहुत ज्यादा तो वहां से वो प्रश्न पूछा गया था ठीक है और कुछ फैक्ट तो बहुत डीप पूछे गाइस सचियस प्यूमा का फॉर्म जबकि हमने रोबोटिक्स की लगभग पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी वहां पे प्यूमा वाला प्रश्न पूछ लिया गया कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसीटी में हम दो प्रश्न ऐसे थे कम से कम एक तो ऐसा था जो हम कॉमन सेंस के आधार पर सॉल्व कर सकते थे प्योर कॉमन सेंस लगा के हम उसे सॉल्व कर सकते थे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप विषय को पढ़ रहे हैं तो उसकी समझ जरूर विकसित करें जनरली ये बात मैं मुख्य कक्षा की कक्षाओं में कहता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट डेवलप करनी है पर यहाँ जब आप ये विषय पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको समझ विकसित करनी होगी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी सर ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ये शब्द सुना कई बार है लेकिन समझ नहीं आता सर इसका मतलब ये है कि जब आप एक विषय को पढ़ते हैं तो पहले आप उसे अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ते हैं यहां पर भी हम यही पढ़ेंगे संचार अलग पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी अलग पढ़ेंगे इंटरनेट अलग पढ़ेंगे कंप्यूटर अलग पढ़ेंगे लेकिन जब इनको कनेक्ट करना आप सीख जाते हैं तो इसी को कहा जाता है कि आपके अंदर विषय की समझ विकसित हो चुकी है आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट डेवलप हो चुका है तो वही होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं और अलग अलग टॉपिक को पढ़ के एक खूबसूरत सी माला बनाने लगते हैं अर्थात उनको जोड़ने लगते हैं तो उसी को हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं तो वो बहुत जरूरी है तभी आप कॉमन सेंस को डेवलप कर पाएंगे इंटरनेट से हम बहुत सारे कंटेंट को लेने का प्रयास करेंगे ये आप मत कीजिएगा ये मैं कर दूंगा क्योंकि आप परेशान हो जाओगे बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पर जो बेसिक कंटेंट है वो हम उठाएंगे पीडीएफ वगैरह जो अलग अलग हैं, वहाँ से ठीक है मूल स्त्रोतों से पढ़ने की जरूर कोशिश करना है मूल स्त्रोतों का मतलब यह है कि अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं आईसीटी वगैरह के बारे में तो जो कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं कुछ आपको ब्रिटानिका पे चीजें मिल जाती हैं बहुत बेसिक विकीपीडिया का पहला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहां से सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं कुछ बहुत अच्छी जो एक्चुअल किताबें हैं कंप्यूटर के लिए लिखी गई हैं वो किताबें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों याद रखें कि आयामों का निर्धारण ये हमेशा कोई भी टॉपिक आप पढ़ें उसमें इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल तो और भी ज्यादा कि हम ये जरूर डिस्कस करें कोई भी विषय पढ़ने से पहले कि यार इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या क्या वाले कोई भी पढ़े आप इतिहास में मान लीजिए मुगल काल पढ़ रहे हैं तो पहले ये तो सोच लो कि मुगल काल में हमें क्या क्या कवर करना है ये पता कैसे चलता है तो ये पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एनालाइज करें उसके बाद हम आयामों का निर्धारण करें ये मैं उन लोगों के लिए खासतौर पर बता रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी करते हैं यहां पर जितने भी काम हम करेंगे वो इन्हीं पैमानों पर करेंगे वो इन्हीं पैरामीटर्स पर हम करेंगे जितने भी आयाम हम आगे बनाने वाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेंगे दोस्तों फिर हम समसामयिकी अध्ययन इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा इस बार स्टडी रिलेटेड करंट अफेयर्स मतलब यह है दोस्तों कि जो भी एक साल में नई नई घटनाएं हुई हैं आईसीटी से जुड़ी हुई उनके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे या फिर जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे सपोज कीजिए हम ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो उससे जो जो बातें जुड़ी हुई हैं वो हम कवर कर लेंगे ठीक है फिर है वीडियो को यह आपके लिए मस्ट है ये इंपॉर्टेंट बहुत बहुत है कि वीडियो को देखने के बाद पी पढ़ें और प्रश्न जरूर लगाएं। आप भी कोई बुक ले सकते हैं जो भी बुक आपको बेहतर लगे बहुत सारी किताबें हैं सचेस निर्माण आई की किताब है बहुत अच्छी किताब है कबीर पब्लिकेशन की किताब है अगेन बहुत अच्छी किताब है उसके अलावा भी मार्केट में यूनिट नाइन से जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं आप उनको ले सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं उनके प्रश्न आप लगा सकते हैं एमसीक्यू लगा सकते हैं ठीक है? तो इन किताबों में से कोई भी आप ले लीजिए अदरवाइज मैं कहूंगा कि अगर आप यहाँ क्लास कर रहे हैं और ये वीडियो जो पीडीएफ देख रहे हैं तो इसके अलावा फिर किताब मत लीजिए फिर आपको किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहीं पर सारी चीजें हम कवर कर लेंगे मैक्सिमम चीजों को हम यहाँ पर लगा रहे होंगे अगर लेना ही है तो कोई एम की किताब ले लीजिए मार्केट में बहुत सारी यूनिट नाइन का एम मिलेगा वो किताब आप ले आइए और उससे प्रश्न लगाइए अदरवाइज अगर ये सीरीज आप देखने वाले हैं देन देयर इज नो नीड कि आप कोई दूसरी किताब से जाकर के टॉपिक पढ़ें, बिकॉज समय नहीं है आपके पास और मैंने ये रिसर्च का काम आपके लिए कर दिया है बहुत मेहनत की है इस बार यूनिट नाइन पर जो आपको दिखेगी समय के साथ कंटेंट में देखेगी कि हाँ अलग अलग जगह से किताबों का मटेरियल कलेक्ट किया गया है फिर उन्हें एक जगह जमाया गया है इंग्लिश में प्रेजेंट किया गया है डायग्राम डाले गए हैं और ये सारा काम दोस्तों मैं खुद करता हूँ मेरा कंटेंट में किसी तीसरे इंसान से नहीं बनवाता इसीलिए मुझे वीडियोज़ बनाने में समय लगता है इसीलिए आपको इतने समय बाद वीडियोज़ मिल पाता है बिकॉज़ कंटेंट बनाना है फिर उसकी पीपीटी को सिस्टमेटिकली अरेंज करना है उसमें डायग्राम डालने हैं चेक करना है एमसीक्यू डालना है ये पूरा काम होता है दोस्तों सो इट टेक्स अ टाइम क्योंकि कंटेंट रिसर्च करना होता है और आईसीटी जैसे टॉपिक जो नए विषय हैं यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च क्योंकि किताबें अवेलेबल नहीं हैं अभी भी मार्केट में बहुत कम किताबें हैं ठीक है सो यू हैव टू वर्क सो समय लगेगा वीडियोस में पर मैं कोशिश करूंगा कि जैसे हमने यूनिट टेन बहुत अच्छे से पढ़ा था यूनिट नाइन के वीडियोस भी आपको बहुत अच्छे लगे और एक ओवरऑल प्रिपरेशन या एक बर्ड आई व्यू आपको टॉपिक का जरूर मिल जाए मेरी सलाह क्या है आपके लिए तो मेरी एक जरूरी सलाह है आप लोगों के लिए हर व्यक्ति के लिए एक जरूरी सलाह है वो ये है दोस्तों कि मैं हमेशा एक बात कहते आया हूं पढ़ने से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा है उसका रिविजन करें एक बहुत अच्छी बात ब्रूसली ने कही थी ये, मैं हमेशा ये कोटेशन डालता हूँ एक स्टूडेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आई फेयर नॉट द मैन हु टेन थाउजेंड किस वेयर द हैज प्रैक्टिस मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे दस हजार प्रकार की किक मारना आता है मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक को दस हजार बार प्रैक्टिस किया है यही बात एक विद्यार्थी के जीवन पर लागू होती है प्रॉब्लम है आज अगर आप हिंदी मीडियम का रिजल्ट देखें तो वो लगातार नीचे जा रहा है हर एक चीज में उसका सबसे बड़ा कारण है कि सोर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं मल्टीपल रिसोर्सेस हैं और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों हम एक विषय को आज पढ़ते हैं और दोबारा उसे हम बारह तेरह महीने के बाद पढ़ते तो जो मेहनत आप पहली बार करते हो ना विषय को पढ़ने में आपकी पूरी मेहनत धरी रह जाती है क्योंकि तो आप सब भूल जाते हो सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाती है मेरा आपको सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो उसे रिवीजन करो कैसे करना है ये भी सुनो मान लीजिए आप चार घंटे पढ़ाई करते हैं मान लीजिए आपने चार या पांच घंटे पढ़ाई का एक रूटीन बनाया ऑलवेज रिमेंबर कि तीन घंटे नया पढ़ो और दो घंटे चीजों को रिवाइज करो हमारे एक सर थे वो हमेशा हमसे कहा करते थे कि बेटा कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ इसका मतलब ये है कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ा है उस पर कमांड होनी चाहिए कमांड का मतलब जानते हो क्या होता है मान लीजिए इतिहास की एक व्यक्ति है जो बारह किताबें इतिहास के रखा हो इतिहासकार ही बन जाएगा वो कुछ समय के बाद आप देख कर लगा। एक तरफ आप है एक किताब है लूसेंट की ही किताब है मान लीजिए ठीक है लग रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं लेकिन जब मैं आपसे वो लूसेंट की किताब उठा के प्रश्न पूछूं तो आप मुझसे ये बोल पाओ कि सर मैंने एक किताब पढ़ी है सर सिर्फ एक लेकिन इस एक किताब में से कुछ भी पूछ लो सर एनी इसे बोलते हैं कमांड और जो बारह किताबें रख के बैठा है ना उससे मैं एक बेसिक प्रश्न करूंगा तो वो भी नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने बारह किताबों को शायद एक बार ही पढ़ा होगा और वो भी नहीं किया होगा तो कमांड इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कितनी सारी किताबों से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हो आप आप रिसर्चर नहीं हो आप जर्नल स्टडीज पढ़ रहे हो आप जाकर के स्पेशल स्टडीज नहीं कर रहे हो और जर्नल स्टडी का मतलब है एक बेसिक किताब जो आपको आठ बार छह बार सात बार पढ़नी है और कमांड डेवलप करनी है ये बात मैं पिछले दो सालों से बोल रहा हूँ और आगे जब मैं बीस साल और पढ़ाऊंगा तो मैं यही बातें बोलते रहूंगा कि बस बार बार रिवीजन करो कि मुझे पता है यही एक की है जो आपको पीछे ढकेलती है हम चीजों को पढ़ते हैं पहली बार में बहुत एफर्ट लगाते हैं पर उन्हें भूल जाते हैं उसका कारण यह है कि हम उन्हें रिवाइज नहीं करते और मुझे पता है रिविजन में मन नहीं लगता जब आप एक बार पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़ते हो आपका मन नहीं होगा पर वही तो संघर्ष है ना एक कोटेशन मैंने अभी अपनी कम्युनिटी पर डाला था अनकेडमी पर कि संघर्ष करो क्योंकि ये भी तो एक कहानी है जो सफल होके आपको सभी को सुनानी है है नहीं ये तो संघर्ष है संघर्ष क्या है संघर्ष सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता कंडीशन नहीं होती संघर्ष आपके दिमाग के साथ है हमारी लड़ाई हमारे खुद के साथ होती है हमारे आलस के साथ होती है हमारे मन ना लगने के खिलाफ होती है आईपीएल का मैच आ रहा आपकी फेवरेट टीम बैटिंग कर रही है पर आपको पढ़ना है क्योंकि आपका एग्जाम है अब वो बैटल है कि वहां आप आईपीएल का मैच देखने लगते हो या पढ़ने लगते हो एक बड़ा ही जरूरी कॉल आ रहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉल है आपके जीवन का और दूसरे दिन आपका एग्जाम है वो बैटल कि वो कॉल अटेंड करने वाले हो समझ रहे होंगे लोग आपका ना या पढ़ने वाले हो ये बैटल है जो दिमाग आप लड़ते हो हमेशा लड़ते हो और ये अभी नहीं है हमेशा से लड़ते आए हो और आगे भी हमेशा लड़ते रहोगे काम करोगे तब भी ये बैटल चलेंगे तो जो इन बैटल को ज्यादा अच्छे से जीत पाता है वो व्यक्ति सफल हो जाता है वो व्यक्ति एक बड़ा अधिकारी बड़ा बिजनेसमैन ये बन जाता है और जो नहीं जीत पाता वो मैं असफल तो नहीं कहूँगा पर उतना सफल नहीं हो पाता है और जीवन में फिर वो दूसरे प्रकार के संघर्ष करता रहता है तो गाइज योर कॉम्पिटिशन इज विद योर सेल्फ योर फाइट विद योर सेल्फ आपकी लड़ाई आपका संघर्ष अपने आप से है परिस्थितियों से ज़्यादा आपके दिमाग का संघर्ष है उसको जीतना है रिविजन इज मस्ट जितना ज्यादा आप चीजों को पढ़ा हुआ रिवाइज करोगे जितनी अच्छी कमांड स्टेब्लिश करोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप पेपर को क्वालिफाई करो ठीक है तो उसी के साथ दोस्तों ये हमारा पहला भाग था आज के टॉपिक का जहां हमने स्ट्रेटजी को डिस्कस किया हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा हमने उन सभी को डिस्कस करके सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा और समझा कि हम मेंस में किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं तो अब हमारा हम पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे जो कि थंबनेल भी है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर हम दो मिनट का ब्रेक लेंगे और दो मिनट के बाद हम हमें नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है चलिए तो दोस्तों अब हम अपने टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं और हमारा पहला टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे जो हम दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के आयाम को पढ़ लेते हैं कि आई में हमें क्या क्या पढ़ना है इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम कौन कौन सी बातों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम परिचय और अर्थ इंट्रोडक्शन और मीनिंग की बात करेंगे यहां हमें यह समझना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और दोनों को मिला के आईसीटी का मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है क्योंकि जो शब्द आप देख रहे हैं इसमें एक सूचना प्रौद्योगिकी है और एक संचार प्रौद्योगिकी है ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी बाद में इन दोनों चीज़ों को मिला दिया गया और उससे आईसीटी का निर्माण हुआ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का निर्माण हुआ फिर हम बात करेंगे आधारभूत जानकारी बेसिक इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन में हम सिर्फ आईसीटी के टॉपिक के बेसिक को नहीं समझ रहे हैं हम इंटरनेट ई कॉमर्स ई गवर्नेंस इन सब के बेसिक टॉपिक को भी कवर करेंगे यहाँ हम समझेंगे नेटवर्क क्या होता है टॉपोलॉजी का मतलब क्या होता है स्विचिंग तकनीकें क्या होती हैं फिर मापक इकाइयां क्या होती हैं ये जो आप शब्द सुनते हैं आवृत्ति और फ्रिक्वेंसी सॉरी माफ कीजिए आवृत्ति और तरंग धैर्य फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इनका मतलब क्या है तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमें कवर करने हैं इस टॉपिक में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न भी बन सकते हैं और जब तक हम ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे फ्रिक्वेंसी शब्द का इस्तेमाल हम कई बार करेंगे ब्लूटूथ में वाईफाई में हर जगह हम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे होंगे फिर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के बारे में कि नेटवर्किंग क्या होता है तो नेटवर्किंग के डिस्कस करेंगे फिर हम संचार की बात करेंगे कम्युनिकेशन संचार प्रौद्योगिकी तो संचार में हम डिस्कस करेंगे संचार के अलग अलग मॉडल क्या होते हैं संचार के अलग अलग माध्यम क्या हैं कौन कौन से प्रकार हैं इसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे संचार की जो अलग विधियां होती हैं जिन्हें कम्युनिकेशन टेक्निक्स कहा जाता है वो हम संचार में पढ़ेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे आईसीटी के प्रमुख उपकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम रेडियो टेलीविज़न टेलीफोन मोबाइल और पोस्ट ऑफिस इन टॉपिक को यहाँ हम कवर करेंगे इंटायर टॉपिक को हमें कवर करना है फिर हम भारत के आईसीटी संस्थानों की बात करेंगे कि भारत में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट है मंत्रालय है मंत्रालय के अलावा हम ट्राई की बात करेंगे और भी दूसरे संस्थानों को हम डिस्कस करेंगे फिर दोस्तों हम भारत में आईसीटी कानून और नीतियों पर बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है भारत में और कौन कौन सी पॉलिसीज इंडिया में हैं वो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आठवें नंबर पर आईसीटी के अनुप्रयोग और उसके प्रभावों को पढ़ेंगे एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट ऑफ आईसीटी ये जो आठवां टॉपिक है ये मुख्य परीक्षा के काम का टॉपिक है प्रिलिम्स में इसका उतना बड़ा रोल नहीं है तो ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम आठ आयामों में बांट करके पढ़ेंगे और दो भागों में आपको इसके वीडियो मिलेंगे आज के भाग में हम आधारभूत जानकारी तक और संचार और नेटवर्किंग कवर कर लेंगे और फिर अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसके परिचय और अर्थ को समझते हैं तो इस शब्द को समझना होगा कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है तो एक बात समझें कि इसमें तीन शब्द हैं। एक शब्द है इंफॉर्मेशन दूसरा शब्द है कम्युनिकेशन और तीसरा शब्द है टेक्नोलॉजी एक शब्द है सूचना दूसरा संचार और तीसरा प्रौद्योगिकी दोस्तों सूचना का मतलब क्या होता है कोई भी ऐसी जानकारी कोई भी ऐसी जानकारी जो उपयोगी होती है उसे हम सूचना कहते हैं एनी यूजफुल यूजफुल नॉलेज कोई भी उपयोगी ज्ञान ठीक है कोई भी उपयोगी ज्ञान एनी यूजफुल नॉलेज उसे हम सूचना का नाम देते हैं जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसके बारे में कुछ उपयोगी ज्ञान दे रहा हूं तो ये सूचना का काम करेगी ये इंफॉर्मेशन का काम करेगी दूसरा शब्द है कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है एक जगह से एक सूचना को दूसरी जगह पर भेजना या ट्रांसमिट करना या पारेशन करना कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब होता है जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना तो अभी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं और इंटरनेट और इन वीडियो इक्विपमेंट के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंच रही है तो अभी एक बात को समझो कि अभी हम जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं और इसके लिए हम सहारा किसका ले रहे हैं प्रौद्योगिकी का तो कोई भी ऐसा साइंटिफिक इन्वेंशन कोई भी ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार जो कि मानव की जरूरतों को पूरा करे या मानव के लिए उपयोगी हो उसे हम टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं कोई भी ऐसा साइंटिफिक इन्वेंशन जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल होता है उसे हम टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं अब पहले ये चीजें अलग थी सूचना एक अलग तरीके से कर, पर सूचना अलग है संचार अलग है और प्रौद्योगिकी अलग है लेकिन फिर इनको देखा गया कि अगर हम इन तीनों चीजों को जोड़ दें तभी ये काम की चीज बनती जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आईसीटी का इंफॉर्मेशन नॉलेज जो मेरे पास है आपसे बात कर रहा हूं आपसे शेयर कर रहा हूं कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन लेकिन ये नॉलेज मैं अपने घर से इस स्टूडियो में बैठ करके पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कहीं पर भी दे पा रहा हूं तो ये किसके कारण पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल है यही कारण है कि अब इस टॉपिक को जोड़ दिया गया कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी और यहीं से एक शब्द बना आईसीटी तो आईसीटी का सिंपल मतलब समझ रहे हैं आप लोग आईसीटी का बिल्कुल सिंपल मतलब है प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना और संचार को आगे बढ़ाना टू प्रमोट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आप प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें सूचनाओं को और बेहतर बनाएं संचार को और बेहतर बनाएं अब इसमें दो शब्द हैं ये शब्द क्लियर हो गए इंफॉर्मेशन का मतलब क्लियर है कोई भी उपयोगी ज्ञान एनी यूजफुल नॉलेज उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं जब सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं और प्रौद्योगिकी कोई भी वैज्ञानिक अविष्कार जो मानव के लिए जरूरी होता है उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं ठीक है अब इसमें दो शब्द आते हैं दोस्तों एक शब्द तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक शब्द क्या है आईटी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी और दूसरा वर्ड है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात संचार प्रौद्योगिकी इसका अंतर भी आप समझो देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं सूचना हम सिर्फ सूचना की बात करते हैं सूचना क्या है इसे स्टोर इस कैसे करना है और इसे प्रोसेस क्या करना है जानकारी क्या है जानकारी का भंडारण कैसे करना है और इसे प्रसंस्कृत कैसे करना है तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मशीनों के उस भाग की बात करते हैं जो ये काम करती है सच एज कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर के हम सिर्फ उस हिस्से को डिस्कस करेंगे जो हिस्सा सूचनाओं को स्टोर करता है और उनको प्रोसेस करता है तो कंप्यूटर यह काम करता है हमारे कंप्यूटर में हम एक फाइल तैयार कर सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं और उसे किसी भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं तो ये क्या है दोस्तों ये आईटी है तो आईटी में हम सिर्फ इक्विपमेंट और सिर्फ हम ये डिस्कस करते हैं कि एक इंफॉर्मेशन को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं कैसे इसे प्रोसेस कर सकते हैं और इसमें हम कैसे इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये बातें आईटी में डिस्कस की जाती हैं सूचना को किस तरह भंडारित किया जाएगा किस तरह प्रसंस्कृत किया जाएगा और किस तरह उसकी सुरक्षा की जाएगी ये बातें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हैं ये बातें हम सूचना प्रौद्योगिकी में करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ कंप्यूटर की बात करेंगे इंटरनेट की बात हम नहीं करेंगे खासतौर पर हम किसकी बात करेंगे कंप्यूटर की बात करेंगे अलग अलग मेमोरी की बात करेंगे ठीक है फिर दूसरा शब्द है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो यहां हमें ये डिस्कस करना होता है कि जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है उसका हम संचार कैसे करेंगे और उस संचार में हम कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके कम्युनिकेशन को हम किस टेक्नोलॉजी के द्वारा भेजेंगे सिंपल सी बात समझो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो सूचना आपके पास उपलब्ध है उसे थि, थि, कौन सी प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो यहाँ हम किसकी बात करते हैं यहाँ हम कंप्यूटर की बात तो करते ही है कंप्यूटर के साथ साथ हम मोबाइल की बात करते हैं हम इंटरनेट की बात करते हैं हम ईमेल की बात करते हैं हम वाईफाई की बात करते हैं हम ब्लूटूथ की बात करते हैं हम वाई मैक्स को डिस्कस करते हैं हम प्रोजेक्ट लून की बात करते हैं हम लाइफाई को डिस्कस करते हैं हम वाइट फाई की बात करते हैं क्यों क्योंकि ये वो सारी तकनीकें हैं जिनके द्वारा आप सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं तो मुझे ये बताओ क्या इन दोनों को अलग किया जा सकता है नहीं दोस्तों ये तो उन पति पत्नी की तरह हैं जो एक दूसरे से बे मोहब्बत करते हैं अथाह है, प्यार है दोनों के बीच में इसीलिए दोनों को मर्ज करके पढ़ा जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों को आईसीटी कहा जाता है तो आईसीटी में आप क्या पढ़ोगे आईसीटी में आप यह पढ़ोगे कि सूचना को किस तरह बेहतर बनाना है और संचार को किस तरह बेहतर बनाना है तो सूचना और संचार को प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर बनाने की सारी बातें हम आईसीटी में पढ़ते हैं हाउ टू प्रमोट इन्फॉर्मेशन and communication by the means of technology this is something what we study in the ict thus ict includes all the things such as computers mobile wi-fi bluetooth wimax your internet of things smart devices voice control command yes sorry आईसीटी का हिस्सा बन जाती हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भाग बन जाती हैं दोस्तों क्लियर है तो इसकी अगर आप परिभाषा देखेंगे तो ये कुछ सामान्य परिभाषाएं निकल के आती हैं कि सूचना का मतलब क्या है नॉलेज विच इज यूज फॉर फुलफिलिंग अवर टास्क ज्ञान जो हमारे कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोगी हो सिंपल भाषा में उपयोगी ज्ञान कम्युनिकेशन का मतलब क्या है इट रिफर्स टू यह सूचना के पारेशन पारेण का मतलब होता है ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह भेजना टेक्नोलॉजी क्या है साइंटिफिक नॉलेज इन अचीवमेंट फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स ठीक है यहां से दो शब्द बनेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजेस एंड सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा सूचना के भंडारण और प्रसंस्करण हेतु उपकरण एवं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ठीक है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिवाइज कंप्यूटर टेलीफोन्स रेडियो यूज फॉर कम्युनिकेशन संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और उपकरण तो कंप्यूटर दोनों में आएगा ठीक है क्योंकि कंप्यूटर दोनों काम करता है कंप्यूटर सूचना को स्टोर भी करता है और जब आप इसे इंटरनेट से जोड़ते हैं तो यही सूचना को प्रसारित भी कर सकता है ये कम्युनिकेट भी कर सकता है यही कारण है कि कंप्यूटर दोनों में आएगा मोबाइल भी दोनों में आएगा क्योंकि वो दोनों काम कर रहा है तो अब जितनी भी डिवाइसेस आप देखोगे वो लगभग दोनों में आएंगे ठीक है और यहाँ से आई की परिभाषा बनती है कि इंटरनेट फोन कंप्यूटर सहित सभी संचार प्रौद्योगिकियां जो उपयोगकर्ताओं को जानकारी तक पहुंचने प्राप्त करने स्टोर करने और संचारित करने में सक्षम बनाती है तो क्या किया हमने दोनों को जोड़ दिया सूचना प्रौद्योगिकी जानकारी को भंडारित कर रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा था और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसका प्रसारण कर रहा था उसे ब्रॉडकास्ट कर रहा था या उसे ट्रांसमिट कर रहा था बस दोनों को जोड़ दीजिए आपको आईसीटी की परिभाषा मिल जाएगी ऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग इंटरनेट फोन कंप्यूटर एंड टूल्स दैट एनेबल्स यूजर टू एक्सेस रिट्रीव स्टोर एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ठीक है तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आई का मतलब समझ में आया होगा कि ये बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें सब कुछ है जो सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारी बातें आईसीटी का हिस्सा है तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस बनाने वालों को ये थोड़ा सोचना चाहिए था कि आईसीटी तो अपने आप में एक पूरा पुराण है साहब महाकाव्य है आपने वो हेडिंग भी दे दी और आपने वो टॉपिक में भी डाल दिया ठीक है तो आईसीटी के टॉपिक आपको डिफाइन करने थे जैसे आपने इंटरनेट को डिफाइन किया ई कॉमर्स साइबर सिक्योरिटी ये टॉपिक नहीं डालना था क्योंकि इसने हमारे काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जो सारी बातें हम चाहते छोड़ सकते थे वो सारी बातें भी हमें इस टॉपिक की वजह से पढ़नी हो ठीक है तो ये हमारा परिचय और अर्थ था इसको प्रिपेयर कीजिएगा मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी इंपॉर्टेंट आपकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी इनका मतलब क्या है आईटी क्या है और जो कम्युनिकेशन uh, टेक्नोलॉजी है इनका बेसिक अंतर क्या होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे आईसीटी के घटक कौन कौन से हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी घटक तो ये अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग दिए गए हैं पर अधिकांश वेबसाइट पर छह घटक बताए गए कि इसमें एक हार्डवेयर होता है तो हार्डवेयर का मतलब क्या है फिजिकल डिवाइस जैसे ये हार्डवेयर है एक ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये बोर्ड का जो ढांचा है ये हार्डवेयर है और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर तो ये बोर्ड तो ढांचा हो गया ये बोर्ड की स्क्रीन ढांचा हो गया लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर चल रहा है हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके द्वारा ये चीजें मैं आपको बता पा रहा हूँ तो ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं फिर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब तो तभी है ना जब मैं ये पीपीटी टी जब इन रिसर्च करके नॉलेज लेकर के आऊं तभी उनका मतलब निकलेगा ठीक फिर डेटा यही है पीपल लोग जरूरी हैं और प्रक्रिया प्रोसीजर तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं दोस्तों ये अलग अलग वो माने जाते हैं ये डेटा डेटा यहाँ पर रिपीट हो गया ये क्लाउड कंप्यूटिंग है ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेटा मतलब जानकारी क्लाउड कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो ये अलग अलग कंपोनेंट है आईसीटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों आप लोगों ने अगर दूसरे टॉपिक पढ़े हैं तो वहां पर आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशन है उसने दुनिया को बदलने के लिए या विश्व को बेहतर बनाने के लिए सत्रह लक्ष्य निर्धारित किए हैं सेवनटीन गोल डिसाइड किए ठीक है और कहा है कि 2030 तक हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है और इन सत्रह लक्ष्यों को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एस डी धारणीय विकास लक्ष्य ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो इसी में एक गोल नंबर नाइन है गोल नंबर नाइन जिसमें इंडस्ट्री इनोवेशन और इन्फ़्रास्ट्रक्चर की बात की गई है तो गोल नंबर नाइन का एक हिस्सा है कि हमें आईसीटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एसडीजी के किस गोल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की बात की गई है तो आंसर करेंगे गोल नंबर नाइन जो कि जुड़ा हुआ है इंडस्ट्री अर्थात उद्योग इनोवेशन अर्थात नवाचार एवं इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अधोसंरचना तो उद्योग नवाचार और संरचना के तहत ही आईसीटी आता है तो गोल नंबर नाइन का ये हिस्सा है जब आपको पीपीटी मिले पीपीटी कहाँ मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए रेट शुभम गुप्ता पीडीएफ बिना स्पेस देकर के सर्च करना आपका और हमारा नब्बे हजार लोगों का परिवार है नाइन्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर देखेंगे उस चैनल को ज्वाइन करना वहाँ लिंक पी और सारी इंफॉर्मेशन क्लास की आपको मिल जाएगी पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है तो कोई भी समस्या आपको नहीं जाएगी ये पूरा कंटेंट बाईलिंग ठीक है तो ये दो तीन बातें क्लियर हो गई तो अर्थ और परिचय हमने क्या क्या डिस्कस किया पहले टॉपिक से हमने परिभाषा पढ़ ली आईसीटी का मतलब समझ लिया आईसीटी के कंपोनेंट देख लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग लोग प्रक्रिया ठीक है फिर हमने गोल भी समझ लिए कि यूनाइटेड नेशन के जो सत्रह लक्ष्य हैं उसमें से जो नौवे नंबर का लक्ष्य है उसमें आईसीटी को बढ़ावा देने की बात कही गई है अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पर आएंगे जहां हमें आधारभूत जानकारियां पढ़नी है कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं ये टॉपिक क्यों पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये शब्द हम बार बार यूज करेंगे कि ब्रॉडेंड क्या सॉरी बैंडविथ क्या होता है बिट रेट क्या होती है बॉड रेट क्या होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेगा गीगा uh, ये शब्द भी हम डिस्कस करेंगे तो एक बार इन शब्दों को समझ लीजिए क्योंकि जब तक इन शब्दों की जानकारी आपको नहीं मिलेगी आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आधारभूत जानकारी में हम चार टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले हम मापक इकाइयों को पढ़ेंगे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बिट क्या होता है बाइट क्या होता है मेगा का मतलब क्या है जीबी क्या होता है टीबी का मतलब क्या होता है ये सारे शब्द हम यहाँ पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट है यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे पहले तो बहुत सारे प्रश्न आते थे कि बताइए जो एक मेगावाट होता है या एक एम माफ कीजिए वन जो एम बी होती है उसमें कितनी बिट आती है ये सारी चीजें पूछी जाती थी फिर हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे आवृत्ति और तरंग धैर्य ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो विज्ञान के बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे लेकिन जो पहली बार टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उन्हें बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि जब हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे जब हम विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हमें फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ को डिस्कस करना होगा तो आवृत्ति और तरंग धैर्य को हम पढ़ेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे बैंड विथ ये शब्द भी बार बार यूज होगा और बॉड दर या बॉड रेट कि बैंडविथ और इंटरनेट स्पीड क्या होती है बहुत से लोगों को इवन मुझे भी इसका टॉपिक पढ़ने से पहले ये सिमिलर ही लगता था चार शब्द होते हैं इंटरनेट में खास चार पांच शब्द जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एक शब्द होता है बैंडविथ एक होता है लेटेंसी एक होता है थ्रो आउट एक होता है आपका ये स्पीड uh, एक होता है पिंग ये शब्द हालांकि डिटेल में हम इंटरनेट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे यहाँ सिर्फ हम बैंड विथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये शब्द हम यूज़ करने वाले हैं फिर ये जो तो चार पांच शब्द हैं इंटरनेट से जुड़े हुए वो हम इंटरनेट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ठीक है फिर हम चौथे नंबर पर कुछ शब्दावली पढ़ेंगे जो कि संचार से जुड़ी हुई है जो कि संचार से जुड़े हुए कुछ वर्ड हैं कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कुछ वर्ड हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे वहां से भी प्रश्न आ जाता है कि एम्पलीफायर का काम क्या होता है ट्रांसड्यूशर का काम क्या होता है तो ये बेसिक शब्दों को जरा हम ध्यान से पढ़ रहे हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम मापक इकाइयों को डिस्कस करते हैं मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये शब्द जरा देखें कि, कि किलो का मतलब क्या है दस के ऊपर तीन की या जो भी आप है, टेन टू द पावर थ्री इतना याद रखो 1000 बन जाएगा बाइनरी वैल्यू ये सब याद मत करो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेगा का मतलब क्या होता है टेन टू पावर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है टेन टू दावर गीगा का मतलब क्या होता है टेन टू पावर नाइन सर ये क्यों पढ़ा रहे हो ये इसलिए पढ़ा रहे हो क्योंकि अब जब हम आवृत्ति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा मेगा हर्ड गीगा हर्ट। तो समझ में तो आना चाहिए कि मेगा का मतलब क्या है गीगा का मतलब क्या है तो मेगा का मतलब टेन टू पावर सिक्स और सीधे प्रश्न बनते हैं इस चार्ट को याद करना है आपको मेगा टेन टू पावर सिक्स गीगा टेन टू पावर नाइन और टीबी जिसको हम टेरा बाइट बोलते हैं टी में आते हैं टेन टू पावर ट्वेल्व और ये चीजें तो हम सामान्यतः यूज करते हैं हमारे पास वन टीबी की हार्ड डिस्क तक होती है तो तो ये तो क्लियर होना चाहिए आ, मेगा टेन टू पावर सिक्स गीगा टेन टू पावर नाइन और टेरा टेन टू पावर ट्वेल्व अब यहां से आता है पैटा 10 टू पावर फिफ्टीन और जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है वो पैटा में नापी जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे तो पैटा का मतलब होता है 10 टू पावर फिफ्टीन ठीक है 10 के ऊपर 15 की घात फिर आता है एक्सा एक्सा 10 टू पावर 18 zeta zeta 10 टू दावर पावर 21 और योटा 10 टू दावर पावर 20 तो ये अलग अलग यूनिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेगा है दोस्तों तो मेगा प्लीज याद रखना टेन टू पावर सिक्स फिर गीगा टेन टू पावर नाइन तीन तीन पावर बढ़ती जाएंगी फिर टेरा टेन टू पावर ट्वेल्व और पैटा टेन टू पावर फिफ्टी इस तरीके से बस रटना नहीं है सिर्फ तीन तीन का एडिशन है मेगा में टेन टू दी पावर सिक्स गीगा टेन टू दी पावर नाइन तीन बढ़ गया टेरा में टेन टू दी पावर ट्वेल्व फिर तीन बढ़ गया और पैटा में टेन टू दी पावर फिफ्टीन तो भूलोगी नहीं सिर्फ तीन तीन का एडिशन करना है और शब्दों को क्रम में याद रखना कि पहले मेगा आता है फिर गीगा आता है फिर टेरा तो ये तो वैसे भी याद होगा क्योंकि हम एम बोलते हैं जी बोलते हैं टी बोलते हैं फिर उसके बाद पैटा आता है पैटा के बाद एक्सा एक्सा के बाद जेटा और जेटा के बाद योटा ठीक है तो ये थोड़ा सा याद करना होगा एक्सा जेटा योटा ये मत रटना, देखो आप सिर्फ क्या याद रख लो आप सिर्फ क्रम याद रख लो कि पहले मेगा आएगा एमबी एमबी के बाद जी अर्थात गीगा जीबी के बाद टीबी अर्थात टेरा फिर टेरा के बाद पेटा ठीक है फिर याद रख लो यहां से एक्सा आता है जेटा आता है और योटा बस ये क्रम याद रख लो एक्सा जेटा योटा अब इसकी पावर बस याद रखो कि भैया ये टेन टू पावर सिक्स होता है कितना होता है टेन टू पावर सिक्स होता है बस इसकी वैल्यू याद रखो अब ये निकालते जाओ गीगा कितना होगा नाइन होगा टेरा कितना होगा ट्वेल्व होगा पैटा कितना होगा फिफ्टीन होगा एक्सा कितना होगा एटीन होगा ठीक है जेटा कितना होगा ट्वेंटी वन होगा और योटा कितना होगा 24 होगा तो इस तरीके से रटना नहीं है कंसेप्ट लॉजिक बस ये याद रखो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा ठीक है तो ये आपके पूरे पावर हो जाएंगे चलिए इसके बाद एक कंप्यूटर में भी हम पढ़ते हैं ये शब्द आपने तो के बी एम बी जी बी तो इनका मतलब क्या है ये भी समझो देखो सबसे छोटी इकाई जो कंप्यूटर में होती है वो बिट होती है बिट जो कि जीरो या वन होती है बाइनरी बोला जाता है जीरो या एक के फॉर्म में होती है बिट ये सबसे छोटी इकाई होती है आठ बिट जब मिलते हैं दोस्तों आठ बिट जब मिलते हैं ठीक है तब निर्माण होता है एक बाइट का आठ बिट जब मिलते हैं तब एक बाइट बनती है ठीक है जब 1024 बाइट मिलती है यह हमेशा इसी रेशो में चलेगा 1024 जब 1024 बाइट मिलती हैं, तब एक के बी बनता है केबी का फुल फॉर्म है किलो बाइट तब एक केबी बनता है जब 1024 किलो बाइट अर्थात केबी मिलती हैं, तब एक एमबी बनता है अर्थात मेगा बाइट बनता है जब 1024 मेगाबाइट मिलते हैं निर्माण होता है एक जीबी का वन जीबी का मेमोरी कार्ड वन जीबी का डेटा तो वन जीबी में कितने एम बी होते हैं दस सो चौबीस एम होते हैं जब दस सो चौबीस जीबी मिलते हैं तब निर्माण होता है एक टीबी का वन टीबी ह्यूज ठीक है वन टीबी का हार्ड डिस्क दो टीबी का हार्ड डिस्क तो जब आप कहते हो ना कि मेरे पास एक टीबी का हार्ड डिस्क है इसका मतलब आपके पास एक हजार चौबीस जी बी का डेटा स्टोर करने की क्षमता है ठीक है जब दोस्तों दस सौ चौबीस टीबी मिलते हैं तब निर्माण होता है एक पेटाबाइट का और ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर कंप्यूटर की स्पीड आ जाएगी ठीक है और फिर इस तरीके से आखिरी में देखिए कि जब 1024 बीबी अर्थात ब्रॉन्टो वाइट मिलते हैं तब निर्माण होता है एक जियो बाइट का ये बहुत बहुत बड़ा स्पेस हो जाता है ठीक तो बस दो तीन बेसिक बातें याद रखना यहां से प्रश्न आता है पहला पूछेगा कि कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को मापने की सबसे मूलभूत इकाई कौन सी है तो आंसर करोगे बिट बाइट मत करना बिट बी आई टी बिट एक बिट बराबर तो शून्य या एक ये उसकी वैल्यू होती है जब आठ बिट मिलते हैं तब एक बाइट बनता है जब दस सौ चौबीस बाइट मिलते हैं तो वन के बी बनता है जब दस सौ चौबीस के बी मिलते हैं तो एक एम बनता है जब 1024 MB मिलते हैं तो एक जी बनता है जब 1024 GB मिलते हैं तब एक TB बनता है और जब दस सौ मिलते हैं तो एक पी अर्थात पैटा बाइट बनता है तो ये याद रखना जरूरी है यहां से सीधे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ठीक है याद रहेगा नहीं याद है तो इस तरीके से याद रखें कि बिट सबसे छोटी वैल्यू होती है जीरो या एक ठीक है जब आठ बिट मिल जाती है तो क्या बनता है ठीक है बाइट है, है? जब दस सौ चौबीस बाइट मिल जाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों वन किलो बाइट बनता है जब दस सौ चौबीस केबी मिल जाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों एक एम तो क्या बनता है 1 GB बनता है। और जो दप, जब दस सौ चौबीस एम मिल जाते हैं तो क्या बनता है 1 TB बनता है तो इस तरीके से याद रखें बिट बेसिक है एट बिट से एक बाइट बनती है दस चौबीस बाइट से फिर आगे की पूरी कहानी है ओके तो ये मेगा गीगा टेरा पैटा एक्सा जता और ये पूरी ये सब मापक इकाइयां हैं मेजरमेंट यूनिट हैं जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो वहां आपको दिखेगा 2.5 पॉइंट गीगा हर्ट का प्रोसेसर तो गीगा जैसी दिमाग में आएगा तो क्या आएगा गीगा मतलब 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 9 ये आना चाहिए जब हम गीगा की बात करेंगे फिर किसी ने कहा कि यार 5 गीगा हर्ट का प्रोसेसर अगेन वही आना चाहिए दिमाग में ठीक है कि टेन टू दी पावर नाइन की बात हो रही है आगे बढ़ते हैं तो ये तो दोस्तों हमने क्या डिस्कस कर ली मापक इकाइयों की बात कर ली तो मापक इकाइयों को पढ़ने के बाद अब हमारे दूसरे बेसिक कंसेप्ट की हमें बात करनी है और ये कंसेप्ट है आवृत्ति तथा तरंग धैर्य का ये कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी और बेवलेंथ का बहुत ही आसान सा विषय है बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं होता है पहले इसे सामान्य भाषा में समझो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रस्सी है और उस रस्सी को आप इस तरीके से ऐसे घुमा रहे हैं तो कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी ऐसे ठीक है एक रस्सी को हमने घुमाना शुरू किया तो ये जो रस्सी एक बार ऊपर जा रही है एक बार नीचे जा रही है इसे रस्सी का दोलन कहा जाता है इसे रस्सी का ओसलेशन कहा जाता है ठीक है तो यहां पर एक दोलन हो रहा है और यहां पर दूसरा तो इसके बीच में ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये जो लेंथ आप देख रहे हैं दोस्तों इसे तरंग धैर्य कहा जाता है इसे वेव कहा जाता है ये तो क्लियर है दूसरी बात रस्सी में ये जो कंपन हो रहे हैं जैसे ये एक बार ऊपर गई तो एक कंपन ये दो बार ऊपर गई दूसरा कंपन ये तीन बार ऊपर गई ये तीसरा कंपन तो हो रहे हैं ना दोस्तों इन्हीं कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है पहले बिल्कुल सामान्य भाषा में इमेजिन करो कि आपके सामने एक रस्सी है और वो रस्सी कुछ इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो रस्सी में एक कंपन होता है कंपन या दोलन तो देखो ये रस्सी ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है ऊपर जा रही है नीचे आ रही है तो ये जो ऊपर नीचे जाने की जो संख्या है ना इसी को आवृत्ति कहा जाता है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है जबकि ये जो दो कंपनों के बीच में तरंगों की दूरी आपको दिखाई दे रही है दो दोलनों के बीच में जो आपको तरंग की दूरी दिखाई दे रही है दो तो ऑसिलेशन के बीच में ये जो लेंथ दिखाई दे रही है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं तो ये है आवृत्ति और तरंग धहर सामान्य भाषा में समझ में आ गया बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है इसे एक बार इमेज में भी देखो तो और समझ में आएगा ये देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितने बार ये ऊपर नीचे हो रही है तो ये आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है जबकि दोस्तों इनके बीच में ये जो दूरी है ना ये, ये दूरी क्या कहलाती है वेवलेंथ कहलाती है इस दूरी को तरंग धैर्य कहा जाता है क्लियर है अब यहीं से एक बात और समझो आप खुद दिमाग लगाओ दोस्तों यहां पर क्लियर आपको दिख रहा है कि अगर कंपन ज्यादा होंगे अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो आप देखो ये जो तरंग धैर्य है इसकी दूरी कम हो जाती है कम हो जाती है। और सिंपल भाषा में समझो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि अगर एक तरंग में अगर एक तरंग में कंपन ज्यादा होंगे तो तरंगों के बीच की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी अगर कंपन ज्यादा है तो तरंग के बीच की लंबाई कम होगी मतलब यह हुआ इस तरीके से देखें ठीक है तो यहां पर क्या है दोस्तों यहां पर कंपन कम है एक कंपन दो कंपन और यह तीसरा तो यहां देखो बीच की लंबाई कैसी है ज्यादा है तो आप क्या कह सकते हो कि जहां पर आवृत्ति जहां पर आवृत्ति कम होगी वहां पर तरंग धैर्य ज्यादा होगी जहां पर भी फ्रीक्वेंसी होगी वहां पर वेवलेंथ जो है वो ज्यादा लंबी होगी लॉन्ग वेवलेंथ होगी क्लियर अब इसी को अगर मैं ऐसे बना दू तो हमने क्या किया हमने कंपनों की संख्या को बढ़ा दिया एक दो तीन चार तो जैसे ही कंपन की संख्या बढ़ेगी आप देखो वेवलेंथ कम हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम आवृत्ति को बढ़ा देते हैं अगर हम फ्रिक्वेंसी को हाई कर देते हैं तो अपने आप जो तरंग धैर्य है जो वेव लेंथ है वो कम हो जाती है वो लो हो जाती है तो यहीं से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि आवृत्ति जो है वो तरंग धैर्य के वित क्रमान होती है फ्रीक्वेंसी शेयर्स दी इनवर्स रिलेशनशिप वेवलेंथ। तो सर ये जरूरी क्यों है तो ये जरूरी वहाँ पर है दोस्तों कि जैसे अगर मैंने आपको कहा कि यार रेडियो तरंगों का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है तो दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए कि सर अगर रेडियो तरंगों की बेबलेंथ तरंग ज्यादा है अगर रेडियो तरंगों की ज़्यादा है, इसका मतलब कि रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति है जो फ्रिक्वेंसी है वो अपने आप कम हो जाएगी और जब मैं आपसे कहूंगा कि गामा तरंगों की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है गामा रेस की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो दिमाग में अपने आप क्या समझ जाओगे कि सर अगर उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है आवृत्ति बहुत ज्यादा है इसका मतलब तरंग धैर्य कम होगी यहीं से एक कंसेप्ट और समझो देखो दोस्तों कोई भी वस्तु जिसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है तो वो कम दूरी तक जा पाती है कोई भी वस्तु जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है वो कम दूरी में जा पाती है और कोई वस्तु जिसकी आवृत्ति कम होती है वो लंबी दूरी तक जा पाती है ऐसा क्यों तो अभी हमने बताया कि अगर दोस्तों फ्रिक्वेंसी कम होगी इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तरंग धैर्य ज्यादा होगी तो वो ज्यादा दूरी तक चल पाएगी और अगर दोस्तों फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेव लेंथ कम होगी इसका मतलब वो कम दूरी तक चल पाएगी अब इसका मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ अगर आप लोग जियो फाइवर या वाई का यूज करते हैं तो उसमें आजकल दो ऑप्शन आते हैं एक 2.4 पॉइंट गीगा हर्ट का ऑप्शन आता है और एक फाइव गीगा हर्ट का ऑप्शन आता है तो आप देखना जो टू पॉइंट फोर गीगा हर्ट का ऑप्शन है वो थोड़ा दूर की रेंज तक आपको वाईफाई का सिग्नल देगा लेकिन जो फाइव गीगा हर्ट का सिग्नल है वो कम रेंज में सिग्नल देगा लेकिन स्पीड किसकी ज्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी तो पांच वाले की ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी फाइव गीगा हर्ट में लेकिन रेंज फाइव गीगा हर्ट की कम होगी और इस आ, आ, और टू गीगा हर्ट में क्या होगा कि स्पीड कम होगी लेकिन रेंज ज्यादा होगी तो इसी तरीके का संबंध होता है आवृत्ति और तरंग धैर्य में यही संबंध होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ठीक है इनवर्स रिलेशनशिप और ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो बिल्कुल दिमाग में सीधा कंसेप्ट बिताओ कि जहां आवृत्ति ज्यादा होगी वहां दूरी कम होगी तो ये हम इस्तेमाल करेंगे वाईफाई और ब्लूटूथ में कि ऐसा वाईफाई सिग्नल जिसकी आवृत्ति ज्यादा है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसकी रेंज अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम हो गई लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से स्पीड ज्यादा हो जाएगी उसकी गति ज्यादा हो जाएगी तो ये कंसेप्ट याद रखना चलिए अब कुछ और बेसिक बातें पढ़ लें यहां पे उम्मीद करता हूं कि सारी बातें क्लियर हैं तो जैसा हमने आपको बताया कि आवृत्ति का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑसोलेशन ऑफ अ वेव पर यूनिट ऑफ टाइम किसी कण के द्वारा किसी कण के द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है इसे हर्ड में मापा जाता है तो हम बहुत बार यूज करेंगे गीगा हर्ट मेगा हर्ट ठीक है टेरा हर्ट तो हर्ट किसकी इकाई है तो जो हर्ट्स है वो आवृत्ति की इकाई है फ्रीक्वेंसी की इकाई है मानव कहां तक सुन सकता है तो मानव 20 हर्ट से लेकर के बीस हजार हर्ट तक की आवाज को सुन सकता है ऐसी कोई भी आवाज जो बीस हजार हर्ट से ज्यादा की होती है उसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है और ऐसी कोई भी आवाज जो 20 हर्ट से कम की होती है उसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है दोस्तों पुरुष की आवाज की आवृत्ति 300 से 400 सौ हर्ट के बीच में होती है जबकि महिलाओं की आवाज की आवृत्ति 500 से 700 सौ हर्ट में होती है ऐसा इसलिए कि सामान्यतः पुरुषों की जो आवाज है वो भारी होती है तो भारी आवाज में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है दोस्तों और लेंथ ज्यादा हो जाती है जबकि महिलाओं की आवाज सामान्यतः पतली होती है तो पतली आवाज में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वेवलेंथ कम हो जाती है तो पतली आवाज जितनी ज्यादा होगी उसमें फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी तो यहाँ से दो तीन कंसेप्ट हमें और मिले पूछ सकता है कि बताओ आवृत्ति को किसमें मापा जाता है तो बताएंगे हर्ट्स में मापा जाता है और साइंस में आप डिटेल में पढ़ते हैं ये टॉपिक ठीक है फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा कि अच्छा ये बताइए कि जो आवृत्ति है मानव कहाँ तक सुन सकता है तो बीस से लेकर के बीस हजार ठीक है हजार तक मानव सुन सकता है ऐसी कोई भी आवाज जो से कम की होती है उसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है इंफ्रासाउंड और ऐसी कोई भी आवाज दो बीस हजार हर्ड से ज्यादा की होती है उसे क्या कहा जाता है अल्ट्रासाउंड कहा जाता है और इसे हर्ट्स में मापते हैं दूसरा फिर क्या है तरंग धैर्य तो वो आपको हमने बता दिया कि किसी कण के एक दोलन में जितना समय लगता है उस आ, समय लगने में तरंग के द्वारा जो दूरी चली जाती है उसे हम तरंग धैर्य कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और थ्रो बेसिकली ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे क्रस्ट कहा जाता है और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे थ्रू कहा जाता है क्रेस्टो थ्रू ठीक है ये भी हमने आपको बता दिया कि तरंग धैर्य आवृत्ति के वित होता है तरंग धैर्य जितना लंबा होगा आवृत्ति उतनी कम होगी अब ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट इसमें देखो दोस्तों जितनी भी तरंगे हैं तो सामान्यतः ये सभी तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती हैं ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं और उसमें बहुत सारे प्रकार की तरंगे हैं रेडियो तरंगे माइक्रोवेव तरंगे अवरक्त या इंफ्रा तरंगे विजिबल या दृश्य तरंगे अल्ट्रावायलेट एक्स रे तरंगे और गामा रे तरंगे ठीक है तो ये इसलिए जरूरी है कि यहां आप देखें कि जो रेडियो तरंग है तो यहां वेवलेंथ कैसी है ज्यादा है जहां जहां तरंग धैर्य ज्यादा होगी आवृत्ति अपने आप ही कम हो जाएगी तो दोस्तों जो रेडियो तरंगे हैं उनकी तरंग धैर्य उनकी बेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और उनकी आवृत्ति सबसे कम होती है यही कारण है कि जितना भी संचार होता है इवन स्पेस में हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो वेव रेडियो वेब्स के द्वारा किया जाता है रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है इन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती और ये बहुत लंबी दूरी तक काम करती हैं क्योंकि इनकी तरंग धैर्य ज्यादा होती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आती है माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव की तरंग धैर्य इन टू दावर माइनस टू है तो अगर इसकी तरंग धैर्य कम हो गई तो इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा और बढ़ जाएगी फिर उसके बाद इंफ्रा फिर विजिबल फिर अल्ट्रावायलेट एक्सरे और गामा और जो गामा तरंगे हैं इनकी तरंग धैर्य इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है एक्सट्रीमली कम होता है यही कारण है कि इनकी जो आवृत्ति है वो बहुत ज्यादा होती है माइक्रोवेव तरंगों की कितनी है 10 8 के आसपास इनकी है। तो सिर्फ इतना याद रखना कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किस तरंग की होती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है तो जवाब दोगे गामा तरंग की सबसे कम आवृत्ति लोएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है तो आंसर दोगे रेडियो तरंगों की पूछेगा सबसे ज्यादा किसका है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है तो आंसर दोगे रेडियो तरंगों का सबसे कम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है गामा तरंगों का और ये इनका क्रम है अगर ये क्रम याद रहे तो क्रम भी पूछ ले तब भी याद रखना सीधी सी बात याद रखो जहां जहां वेवलेंथ कम होगी आवृत्ति ज्यादा होगी जहां जहां वेवलेंथ लो होगी वहां फ्रीक्वेंसी हाई होगी दोनों के बीच में वित्त संबंध है यह चीज भी आपको यह दिखा रही है ठीक है तो उम्मीद करता हूं यह बेसिक टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा आवृत्ति का सीधा मतलब होता है कि एक तरंग कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है एक सेकंड में एक तरंग कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है इसे आवृत्ति कहा जाता है और जब वो ऊपर नीचे हुई तो उस तरंग के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहा जाता है बेवलंत कहा जाता है और दोनों के बीच में व्युत क्रमानुपाती संबंध या इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्लीज याद रखना ये बहुत बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अगला टॉपिक है बैंड विथ और बॉड दर बैंड विथ और बॉड रेट क्या होती है अब हमें ये डिस्कस करना है दोस्तों तो इंटरनेट में मैंने आपको बताया कि तीन चार शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है एक शब्द आपने सुना ही होगा स्पीड एक शब्द आपने अभी अभी सुन लिया बैंड विथ ठीक है एक शब्द होता है लेटेंसी एक शब्द होता है पिंग एक शब्द होता है थ्रॉट आउट ठीक है तो ये अलग अलग शब्द हैं और एक बॉर्ड दर और बिट रेट ये अलग है तो पहले नंबर इस चीज को समझो कि ये और स्पीड का क्या अंतर है तो इसके लिए हमें एक पानी के नल का उदाहरण लेना होगा फिर आपको वो टॉपिक समझ में आएगा दोस्तों ये जो पानी का नल है इस नल में दो चीजें हैं पहली चीज कि पानी किस गति से नीचे आ रहा है तो ये क्या है पानी की गति है जिस गति से पानी नीचे आ रहा है वो स्पीड ऑफ द वॉटर है और दूसरा यहां पर ये जो ये जो चीज है है दिखा रही है कि कितना पानी volume of water कितना है तो ये इसका जो नलका है या इसे आप जो भी कहें मतलब को नलका बोलते हैं इसका माउथ कह सकते हैं कि जो नलका मुंह है इसका माउथ है उसमें से कितना पानी आ रहा है। बस ऐसे ही इंटरनेट की स्पीड को समझो देखो पानी के नीचे आने आने की की गति, वाटर के इस नल से नीचे आने की जुगती है वह इंटरनेट स्पीड कहलाती कि कितनी जल्दी एक इंफॉर्मेशन आपके नेट से बाहर आ रही है इसे इंटरनेट स्पीड कहा जाता है और दूसरा होता है कि एक सेकंड में कितनी मात्रा की जानकारी आ रही है कितनी वॉल्यूम आ रही है तो ये बैंडविथ कहलाती है तो नल के पानी के द्वारा समझो नल का पानी कितनी गति से नीचे आ रहा है वह इंटरनेट स्पीड होगी और जब वो पानी नीचे आ रहा है तो कितनी मात्रा में पानी आ रहा है अगर इतना बड़ा मुंह है नल का मुहाना इतना बड़ा है तो बहुत सारा पानी एक साथ आएगा लेकिन इतना छोटा मुहाना है तो कम पानी आएगा तो बैंड विथ इंटरनेट में बैंडविथ ये बताती है कि एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन जानकारी कितनी सारी एक सेकंड में आएगी जबकि स्पीड यह बताती है कि जानकारी किस गति से आएगी किस स्पीड से आएगी यही अंतर है बैंडविथ और स्पीड में तो अगर बैंडविथ ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है आपको स्पीड भी ज्यादा मिलेगी क्योंकि बहुत बड़ी वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है

that can be sent over a connection in a second यह वास्तव में सूचना की मात्रा है वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे एक सेकंड में एक कनेक्शन पर भेजा जाता है क्लियर दूसरा इसे एमबीपीएस जीबीपीएस केबीपीएस इसी में काउंट किया जाता है जैसे हम स्पीड काउंट करते हैं इंटरनेट की इसे भी ऐसे ही काउंट किया जाता है दोस्तों उदाहरण के लिए आप तो देखिए ठीक है अगर इंटरनेट में आपको लो रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी तो डेटा स्पीड ज्यादा होगी हाई रेंज फ्रीक्वेंसी लो तो डेटा स्पीड कम होगी ये हमने आपको अभी अभी बताया कि सीधी सी बात है जहां जहां पर आवृत्ति ज्यादा होगी वहां पर स्पीड ज्यादा मिलेगी जहां आवृत्ति कम होगी वहां स्पीड कम मिलेगी जहां जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी स्पीड भी ज्यादा होगी जहां फ्रीक्वेंसी लो होगी स्पीड भी लो होगी लेकिन याद रखना जब जब आप आवृत्ति को ज्यादा बढ़ाएंगे तो वाईफाई की रेंज कम हो जाती है ये हमने आपको उदाहरण भी दिया कि दो ऑप्शन मिलते हैं एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑप्शन मिलेगा तो 2.4 गीगाहर्ट्ज आपको रेंज ज्यादा देगा ऐसे समझो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला आपको रेंज ज्यादा दे देगा इतनी रेंज तक चलेगा ये इंटरनेट लेकिन इसकी स्पीड कम होगी तो जो 5 गीगाहर्ट्ज है वो आपको कम रेंज देगा लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा होगी यह अंतर होता है ठीक है हमने इंटरनेट की स्पीड और उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा यदि मोबाइल फोन से अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं तो उसकी बैंडविथ ज़्यादा होना चाहिए तो जब इंटरनेट कनेक्शन लगे तो सिर्फ स्पीड मत पूछा करो बैंडविथ भी पूछा करो कि भाई साहब बैंडविथ कितनी है और अभी इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहां आपको लेटेंसी और पिंग बता देंगे तो वो भी आपको समझ में आएगा कि पिंग क्या होता है लेटेंसी क्या होता है तो जब एक नेट कनेक्शन खरीदोगे तो ये सारे प्रश्न आप करोगे और इन सारी चीजों को पैमाना बना करके इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना चाहिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद एक शब्द है बॉड दर या बॉड रेट ये भी याद रखो प्रति सेकंड में सिग्नल के बदलने की दर को बॉड दर कहा जाता है बस इतना ही याद रखो एग्जाम्पल है हाउ मेनी टाइम्स आ सिग्नल चेंजेस पर सेकेंड एक सेकेंड में सिग्नल कितनी बार बदल रहा है उसे बॉड दर कहा जाता है जबकि बिट का मतलब होता है हाउ मेनी बिट कैन बी सेंट पर टाइम यूनिट इसे बिट रेट कहा जाता है मतलब एक सेकेंड में कितने बिट भेजे जा रहे हैं उसे बिट स्पीड कहा जाता है और कंप्यूटर चूंकि बाइनरी भाषा का उपयोग करता है तो वो भी यहां आपको दिख रहा होगा जैसे यहां पर आप देखें कि ये बॉड और बिट का अंतर बताया जा रहा है यहां पर कितनी बिट है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस कितने बार बॉड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है उतनी ही बार हो रहा है एक दो तीन चार पांच छह दस दस बार ठीक है यहां पर देखो बॉड उतना ही है सिग्नल उतनी ही बार ऊपर नीचे हुआ लेकिन बिट बढ़ गई अब यहां पर दो आ गए दो चार छः, आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस तो बॉड और बिट के बीच में यह संबंध होता है इतना डिटेल में यह नहीं पढ़ना है सिर्फ इतना याद रखो एक सेकंड में सिग्नल कितनी बार बदलता है उसे बॉड कहा जाता है और एक सेकंड में कितने बिट जानकारी ट्रांसफर की गई है उसे बिट रेट कहा जाता है बस इतना याद रखो ज्यादा परेशान नहीं होना इसमें ठीक है मेन था कि आपको बैंडविथ और स्पीड का अंतर समझ में आ जाए तो वो भी मैंने आपको बता दिया ये कुछ एग्जांपल्स हमने डाले हैं ये देखो ये लो बैंडविथ है लो बैंडविथ क्योंकि पानी का जो मुंह है ना वो कम है ये देखो हमने पानी के मुंह को बड़ा कर दिया तो ये हाई बैंडविथ होगी इतना सारा पानी आके ठीक है तो ये स्पीड और बैंडविथ का अंतर होता है इस चीज को आप पढ़िएगा तो टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा ठीक चलिए तो अब हम चौथे शब्द आखिरी टॉपिक की ओर चल रहे हैं जो आधारभूत संकल्पनाएं हम पढ़ रहे थे उसमें अब हमारा चौथा टॉपिक है और यह है शब्दावली अर्थात ग्लॉसरी ठीक है तो शब्दावली में एक शब्द है चैनल चैनल का मतलब सीधा सा होता है माध्यम किस माध्यम से आप जानकारी भेज रहे हैं उसे चैनल कहा जाता है जैसे अभी माध्यम क्या है तो अभी इंटरनेट माध्यम है हम इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो चैनल क्या हो गया इंटरनेट हो गया फिर कई बार केबल का इस्तेमाल करके जैसे टेलीफोन में आप देखिए केबल का इस्तेमाल किया जाता है तो माध्यम क्या हो गया केबल चैनल हो गया तो चैनल का सीधा सा मतलब होता है किस माध्यम से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है अगला एक शब्द है ट्रांसमिटर प्रेषित कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एंटीना के साथ रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोड्यूसेस रेडियो एन एंटीना तो ट्रांसमिटर जो ट्रांसमिट करता है जो वेव्स को ट्रांसमिट करता है अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें वायरलेसली किसी को भेजनी है तो पहले वो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे और जहां से वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल जनरेट होगा वह काम कौन करेगा ट्रांसमिटर तो जो रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है संचार में उसे ट्रांसमीटर कहा जाता है फिर एक शब्द है ट्रांसड्यूसर पूछा गया है एग्जाम में ट्रांसड्यूसर तो ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है एग्जाम्पल के लिए हमने कोई बात यहां से बोली तो ये जो बात मैं आपसे बोल रहा हूं वो इलेक्ट्रिक तरंग मतलब वो तरंग अलग है तो फिर क्या होगा ट्रांसड्यूसर में जाएगा और ट्रांसड्यूसर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा फिर प्रोसेस होगी और जब ये सिग्नल रिसीव हो रहा होगा तो वापस से एक ट्रांसड्यूसर लगेगा और दोबारा से इन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सामान्य सिग्नल में कन्वर्ट करेगा जिसमें हमें जरूरत है। है है तो जो ट्रांसड्यूसर उसका काम होता ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना यह काम किसका होता है ट्रांसड्यूसर का होता है एक और शब्द है प्रवर्धक जिसे एम्पलीफायर कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो किसी सिग्नल की शक्ति को बढ़ा दे तो एम्पलीफायर का मतलब मैं तेरा एम्पलीफायर बड़ा फेमस गाना हुआ था ठीक है तो एम्पलीफायर का मतलब होता है जो सिग्नल के की शक्ति को बढ़ा दे इसमें इमेज में देखो ये पहले इतना सामान्य सिग्नल था इस तरीके का सिग्नल था फिर हमने उसे एम्पलीफायर में से गुजारा तो इस सिग्नल का पावर आप देखिए उसकी शक्ति अब बढ़ चुकी है तो ये काम एम्पलीफायर करता है तो पूछता है वो आपसे कि बताइए वह संचार या प्रौद्योगिकी में वो कौन सी डिवाइस है जो सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देती है विच डिवाइस दी पावर ऑफ अ सिग्नल इन आईसीटी तो आंसर करेंगे एम्पलीफायर ये काम करता है दूसरा पूछेगा वो कौन सी डिवाइस है जो सिग्नलों को या जो ऊर्जा के रूप को बदलती है जो एनर्जी के फॉर्म को चेंज करती है तो उसका जवाब क्या होगा दोस्तों ट्रांसड्यूसर होगा वह कौन सी डिवाइस है जो तरंगों का उत्पादन करती है तो उसका जवाब क्या होगा ट्रांसमीटर होगा तो ये कुछ बेसिक वर्ड है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों ये जो टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था इसमें हम दो टॉपिक अब तक कंप्लीट कर चुके हैं आईसीटी में Uh, सबसे पहले हमने ये परिचय एवं अर्थ को पढ़ लिया इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया हमने कुछ आधारभूत जानकारी पढ़ ली बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली और अब हम तीसरे भाग की ओर चलेंगे जो है नेटवर्किंग पर अब फिर से हम दो मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे विच इज नेटवर्किंग ठीक है चलिए चलिए दोस्तों तो अब हमारे तीसरे टॉपिक को शुरू करने वाले हैं सबसे पहले ऑलरेडी हम अर्थ और परिभाषा को समझ चुके हैं फिर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात की आधारभूत सिद्धांतों को हमने समझाया कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया और अब हम नेटवर्किंग की बात करेंगे देखिए नेटवर्किंग आईसीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका उपयोग कंप्यूटर में भी किया जाता है इंटरनेट में भी किया जाता है और दुनिया भर में आज जितनी भी डिवाइजेस जुड़ी हुई हैं उन सभी में नेटवर्क नेटवर्किंग का ही उपयोग किया जाता है तो नेटवर्किंग में हमें पांच बातों का अध्ययन करना है सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग व उसके घटक नेटवर्किंग एंड इट्स कंपोनेंट यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है नेटवर्क क्या होता है नोड क्या होता है और नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फिर हम नेटवर्किंग के प्रकारों को डिस्कस करेंगे यहीं पर जो फेमस शब्द हम पढ़ते रहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ये सारे शब्द नेटवर्किंग के प्रकार कहलाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क कहलाते हैं तो फिर हम नेटवर्किंग के प्रकारों को डिस्कस करेंगे फिर दोस्तों हमें डिस्कस करना है नेटवर्क की टॉपोलॉजी के बारे में टॉपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क किस तरीके से जोड़ा गया है क्या उसकी आकृति है उसी को नेटवर्क टॉपोलॉजी कहते हैं तो यहाँ पर ट्री टॉपोलॉजी होती है बस टॉपोलॉजी होती है तो ऐसे अलग अलग नेटवर्क की आकृतियाँ बनती हैं फिर हमें डिस्कस करना है नेटवर्क के मॉडल दो मॉडल हैं नेटवर्क के एक सीपी आईपी प्रोटोकॉल वाला मॉडल है और एक ओएसआई मॉडल है तो इन दोनों मॉडल्स को हमें पढ़ना है प्रश्न यहाँ से जनरली यही बनता है कि इसमें कितनी लेयर होती हैं तो लेयर से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं तो हम मॉडल को पढ़ेंगे और मॉडल के बाद सबसे आखिरी में हम स्विचिंग तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे इसमें आपने सुना होगा पैकेट ट्रांसफ़र या पैकेट स्विचिंग तो ये सारी बातें नेटवर्क के स्विचिंग टेक्निक्स में ही आती हैं तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो नेटवर्क वाला टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेटवर्क से जुड़ी हुई लगभग हर एक बात आपके दिमाग में बड़ी स्पष्ट हो जाएगी तो चलिए टॉपिक को शुरू करते करते हैं हैं और सबसे पहले बात नेटवर्क और उसके घटक क्या है नेटवर्किंग एंड इट्स कंपोनेंट की तो पहले इस शब्द को समझो कि आखिरकार नेटवर्क का मतलब क्या होता है देखो तो, सीधी सी बात है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कोई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं सिंपल सी बात समझना कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहते हैं इस प्रोसेस को नेटवर्किंग कहते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये आपका एक मुख्य सर्वर है ये आपका एक मेन सर्वर है जहां आपको चीज़ों को जोड़ना है यहां पर एक पर्सनल कंप्यूटर है आपने इसको जोड़ दिया यहाँ पर दूसरा पर्सनल कंप्यूटर है आपने इसको जोड़ दिया फिर आपस में आपने इनको भी जोड़ दिया फिर आपने एक और कंप्यूटर लिया उसको भी जोड़ दिया तो ये जो है ये आपने नेटवर्क बनाया और इस पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा आपने नेटवर्क बनाया है इस प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहा जाता है दोस्तों क्या कहा जाता है नेटवर्किंग कहा जाता है इंपॉर्टेंट बात यह है जैसे इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं ये आपका एक सर्वर है ये अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं ये नेटवर्क है और ये पूरी जो प्रक्रिया है ये नेटवर्किंग कहलाएगी और हर एक डिवाइस जो कि मुख्य सर्वर से जुड़ी हुई है जो कि मेन सर्वर से जुड़ी हुई है हर एक डिवाइस को नॉड कहा जाता है याद रखिएगा कि नेटवर्क में या नेटवर्किंग में मुख्य सर्वर से जो एक एक डिवाइस जुड़ी होती है उस डिवाइस को हम नॉड का नाम देते हैं दोस्तों कई प्रकार के नेटवर्क बनते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है नेटवर्क से जुड़ी हुई प्रत्येक डिवाइस को नोड कहा जाता है ये भी देखिए इस तरह से भी बन सकता है या आपका आ, कंप्यूटर आपने जोड़ दिया आई जोड़ दिया लैपटॉप जोड़ दिया होम प्रिंटर जोड़ दिया इस प्रकार का भी नेटवर्क बनता है और हमारे यहाँ आज देखिए तो हम जनरली वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरा मुख्य सर्वर क्या है तो मेरा मुख्य सर्वर वाईफाई का राउटर है हमारे ऊपर ये वाईफाई का राउटर लगा हुआ है तो इससे आपका कैमरा भी जुड़ा हुआ है इससे मेरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है मेरा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है मेरे घर की टेलीविज़न भी इसी से कनेक्ट है तो ये वाईफाई हमारा सर्वर हो गया और यहाँ पर जो हमने कैमरा जोड़ा है लैपटॉप जोड़ा है टीवी जोड़ी है मोबाइल जोड़ा है ये सब नॉड कहलाएँगे दोस्तों तो दुनिया का जो पहला नेटवर्क है वो आरपा नेट था जिसे अर्पनेट था अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और जिस पर पहला मैसेज 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया था तो ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना है तो नेटवर्क की परिभाषा क्या होगी ध्यान से याद रखिएगा नेटवर्क की परिभाषा जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इसे नेटवर्क कहा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहा जाता है और नेटवर्क से जुड़ी हुई हर एक डिवाइस नॉड कहलाती है सिंपल तरीका है डेली लाइफ एग्जाम्पल से ही याद रखो जैसा मैंने आपको वाईफाई का एग्जाम्पल दिया कि वाईफाई आपका मुख्य सर्वर हो गया और उसके आसपास जितनी भी चीजें आपने जोड़ी तो वो नेटवर्क आपने बना लिया ये कैसा नेटवर्क है तो ये वायरलेस नेटवर्क है क्योंकि वाईफाई से मेरा कंप्यूटर वायर से नहीं जुड़ा वायरलेस तरीके से जुड़ा है टीवी वायरलेस तरीके से जुड़ी हुई है तो ऐसे नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क कहा जाएगा जब आप बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं तो वहां कंप्यूटर आपस में केबल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है ठीक है तो वो हम नेटवर्क के प्रकारों में पढ़ेंगे उम्मीद करता हूँ नेटवर्क क्या है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना या किसी माध्यम के द्वारा जोड़ना नेटवर्क कहलाता है इस पूरी प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहा जाता है दुनिया का पहला नेट आरपा नेट था अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क क्लियर यहां तक सारी बातें ओके अब आगे चलें तो नेटवर्क के घटक की बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे कि नेटवर्क जब हम एक बनाते हैं तो उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है या कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं तो सबसे पहले उसमें एक सेंडर होना चाहिए सेंडर को हिंदी में प्रेषक कहा जाता है सेंडर वह डिवाइस जिसके द्वारा नेटवर्क में मैसेज भेजा जाता है तो यह परिभाषा याद नहीं करना सेंडर का मतलब क्या होता है तो जो नेटवर्क में मैसेज भेजेगा वो सेंडर हो जाएगा और जो मैसेज को प्राप्त करेगा वो रिसीवर हो जाएगा तो परिभाषा याद नहीं करना है सिर्फ इतना याद रखना है कि जो Sender है, नेटवर्किंग जो प्रेषक है वो नेटवर्किंग का एक घटक होता है फिर दूसरा प्राप्तिकर्ता अर्थात रिसीवर इसको अधिग्राही भी कहा जाता है तो ये भी इसका हिस्सा होता है तो वह डिवाइस जिसके द्वारा मैसेज प्राप्त किया जाता है ठीक है उसे हम रिसीवर कहते हैं फिर होता है संदेश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैसेज होना चाहिए फिर माध्यम कौन सा माध्यम है तो कई सारे माध्यम हो सकते हैं अभी मैंने आपको बताया कि हम वायर के द्वारा भी भेज सकते हैं वायरलेस तरीके से भी भेज सकते हैं तो माध्यम की बात आती है और फिर दोस्तों प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब समझिए प्रोटोकॉल उन नियमों के समूह को कहा जाता है जो नेटवर्किंग में या जो नेटवर्किंग के लिए आवश्यक होते हैं प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ़ रूल विच इज़ हेल्पफुल इन द नेटवर्किंग वो नियम है जिन नियमों के द्वारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बहुत फेमस है जिसे हम आईपी के नाम से जानते हैं फिर टीसीपी का नाम भी आपने सुना होगा तो बहुत सारे प्रोटोकॉल है जिनके बारे में हम इंटरनेट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे फिलहाल बस हमें इतना याद रखना है कि प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क में संचार के लिए किया जाता है तो नियम तो जरूरी है अगर हम भी आज एक सूचना भेजते हैं तो है, कि कैसे सूचना एक जगह से दूसरी जगह पड़ जाएगी तो इसी तरह इंटरनेट में भी नियम होते हैं सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के उन्हीं नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है Clear. तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि नेटवर्किंग के कंपोनेंट कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा बहुत प्रश्न है तो तो आसानी से आंसर देंगे कि पहला तो आपको क्या चाहिए मैसेज अर्थात संदेश फिर दूसरा मैसेज को भेजने वाला सेंडर तीसरा मैसेज को रिसीव करने वाला रिसीवर फिर आपको चाहिए मैसेज को भेजने के लिए माध्यम ठीक है माध्यम की आवश्यकता होगी आपको और फिर आपको प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी अर्थात वो नियम जिनके द्वारा ये मैसेज भेजा जाएगा ठीक है माध्यम तो ये पांच घटक होते हैं नेटवर्किंग के तो ये है दोस्तों नेटवर्किंग और उसके घटक बहुत बेसिक कंसेप्ट है डायग्राम याद रखोगे कभी भी चीजें नहीं भूलोगे कि बीच में आपका मुख्य सर्वर है आजू बाजू चीजें जोड़ दी गई हैं तो ये नोड कहलाएंगी और ये मुख्य सर्वर कहलाएगा तो ये नेटवर्किंग बनती है दोस्तों ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करना है वो है नेटवर्किंग के प्रकार टाइप्स ऑफ द नेटवर्क ठीक है तो नेटवर्क में खास तौर पर तीन तरह के प्रकार होते हैं और फिर इसके अंदर काफी सारे प्रकार हैं और अब तो अलग अलग तरह के नेटवर्क बनने लगे हैं तो बहुत सारे प्रकार हो गए लेकिन खास तौर पर तीन प्रकार होते हैं एक होता है लैन जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है इनके फुल फॉर्म याद रखना हालांकि अब एक बहुत बेसिक सवाल है लेकिन फिर भी कुछ एग्जामों में ये पूछ लिए जाते हैं तो लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क मैन अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क वैन वाइड एरिया नेटवर्क और फिर कुछ अन्य नेटवर्किंग के प्रकार आते हैं तो ये दो तो नाम से बहुत क्लियर हो रहे होंगे कि मेट्रोपोलिटन मतलब एक शहर थोड़ा शहर और वाइड मतलब बहुत बड़े एरिया को जोड़ने वाले ठीक है अब लैन के अंदर कुछ प्रकार होते हैं जैसे लैन का एक प्रकार होता है पैन अर्थात पर्सनल एरिया नेटवर्क हम पढ़ेंगे जनरली एक कमरे में जो डिवाइस होती है उस कमरे की डिवाइस को आपस में जोड़ना एक पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है फिर एक होता है कैन कैंपस एरिया नेटवर्क एक होता है डब्लू लैन ठीक है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तो ये तीन प्रकार किसके हैं लैन के प्रकार हैं अभी हम डब्लू एल ए एन का इस्तेमाल बहुत करते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग हम बड़ी मात्रा में करते हैं फिर अन्य में एक सैन आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक गैन आता है ग्लोबल एरिया नेटवर्क और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वीपीएन अर्थात वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग वीपीएन इसको हम जब इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वीपीएन को डिटेल में पढ़ेंगे बहुत चर्चा में रहा है वीपीएन कोविड के बाद भी और बहुत सारे प्रतिबंध के कारण वीपीएन बड़ा चर्चा में रहा है तो हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को डिस्कस करेंगे प्लीज इसका फुल फॉर्म याद रखना ये पूछा जा सकता है दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ठीक है तो ये नेटवर्किंग के प्रकार है दीज आर दी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग क्लियर दोस्तों यहाँ तक चलो अब एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लैन की बात करेंगे अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क को हम डिस्कस करेंगे परिभाषा देखें कि एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग एक किलोमीटर तक की कि कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने हेतु प्रयुक्त नेटवर्क तो इसकी परिभाषा बिल्कुल यही है बहुत छोटे एरिया में ठीक है जब आप छोटे भौगोलिक क्षेत्र के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना चाहते हैं एक किलोमीटर की रेंज के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इथरनेट इथरनेट एक केबल भी होती है पर इथरनेट बेसिकली एक प्रोटोकॉल है इंटरनेट का वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी ठीक है आगे देखें ये लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है कि ये छोटे एरिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना इसमें मैक हो गया प्रिंटर हो गया पीसी फिर मैक और पीसी सर्वर फ्लॉपी इन सबको आपस में जोड़ना लोकल एरिया नेटवर्क सिर्फ एक परिभाषा याद रखना कि जब छोटे भौगोलिक एरिया में उपस्थित क्षेत्र में उपस्थित कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं दोस्तों आगे देखें कि इसे इसमें टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है अब अभी आपको यह समझ नहीं आएगा पर जब आप पढ़ लोगे तो यह समझ में आएगा टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल तो इसी लैन को एक और नाम दिया गया है टीसीपी आईपी पर वो हम बाद में समझेंगे इसमें बस टॉपोलॉजी रिंग टॉपोलॉजी स्टार टॉपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है अब ये टॉप top, टॉपोलॉजी uh, क्या है तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं टॉपोलॉजी का मतलब होता है किस तरह से नेटवर्क जुड़ा है ठीक है तो ये भी लाइन आपको अभी समझ में आएगी फिलहाल बस इतना याद रखना है आपको कि जब छोटे एरिया के एक किलोमीटर एरिया के अंदर में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है इसका उदाहरण है ईथरनेट ओके okay, अब इसके हम प्रकारों को देखें तो इसका एक प्रकार है पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे पैन के नाम से भी जाना जाता है एक छोटा नेटवर्क जिसकी रेंज एक कमरे के अंदर तक रहती है एग्जाम्पल सबसे अच्छा है ब्लूटूथ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लूटूथ कि अगर ब्लूटूथ आप स्विच ऑन करें तो ब्लूटूथ की रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती अगर इस कमरे में हमने स्विच किया है तो जर्नल एक कमरे में थोड़ा बहुत बाहर चले जाइए तो इससे पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जिसकी रेंज तीन मीटर चार मीटर पांच मीटर के दायरे में होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं और याद रखिएगा ये लैन का ही हिस्सा है इट इज अ पार्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क तो अगर पूछा जाए कि ब्लूटूथ किस चीज का हिस्सा है तो ब्लूटूथ एक्चुअली एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है एग्जाम्पल आपके सामने दस मीटर दस मीटर ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है फिर दूसरे नंबर पर आता है कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है तो इससे शब्द याद रखो कैंपस तो समझ में ही आ रहा होगा दिमाग में एक आइडिया मिल रहा होगा कैंपस का मतलब यही है कि यार जो चीजों को एक एक कैंपस को जोड़े आपस में ठीक है तो उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाएगा जब दो या दो से अधिक भवनों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया कॉलेज हो गए स्कूल कैंपस हो गए इन सब को ठीक है ये देखिए जैसे एक कॉलेज है यहाँ लाइब्रेरी है और यहाँ हॉस्टल है तो एक ही कॉलेज में होगा ना जनरली जैसे आप बड़े कॉलेजेस में जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बीच में कॉलेज की बिल्डिंग होती है उसमें एक लाइब्रेरी होती है उसमें एक हॉस्टल होता है तो कैंपस में ही तीन इमारतें हो गई आपने इन तीनों इमारतों को आपस में जोड़ दिया तो ये कौन सा नेटवर्क बनेगा कैंपस एरिया नेटवर्क बनेगा ये कैन का निर्माण करेगा तो जब दो या तीन भवनों को एक कैंपस के भवनों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों इसमें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या इसे हम डब्ल्यू लैन का नाम भी देते हैं बहुत आसान है एक शब्द ही क्लियर हो गया यहाँ पर वायरलेस तो ऐसा नेटवर्क जिसमें वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता वह वायरलेस नेटवर्क होगा और लोकल एरिया नेटवर्क है मतलब इसकी रेंज कम होगी तो बिना वायर के एक क्षेत्र में कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु प्रयुक्त नेटवर्क इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाईफाई वाईफाई का उपयोग करके हम वायरलेस तरीके से चीजों को जोड़ते हैं तो जनरली सबसे ज्यादा अभी जो यूज हो रहा है वो डब्ल्यू एल ए एन ही यूज होता है मैं भी अपने कमरे में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ आप भी इसका यूज कर रहे होंगे तो ये है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क और उसके अलग अलग प्रकार एक बार मेरे साथ चीजों को रिवाइज कर लो चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी लैन का मतलब क्या है एक किलोमीटर तक की रेंज के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है कनेक्ट दी कंप्यूटर विदिन द रेंज ऑफ वन किलोमीटर इज नोन एज द लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है अब लोकल एरिया नेटवर्क के तीन अलग अलग प्रकार हैं दोस्तों एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क एक होता है कैंपस एरिया नेटवर्क और तीसरा होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तो पहला जो टाइप है जब आप 10 मीटर की रेंज या जनरली एक कमरे के नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं तो वो पर्सनल अच्छा फिर दूसरे नंबर पर कैंपस एरिया नेटवर्क एक कैंपस है और उस कैंपस में दो तीन बिल्डिंग है तो उन दो या तीन बिल्डिंगों को आपस में जोड़ना ही कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है और फिर एक और एग्जाम्पल है डब्ल्यू एल ए एन जब आप बिना तार का उपयोग करके एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है वेन यू कनेक्ट computer ऑफ अ स्मॉल

आगे बढ़ते हैं अब हम दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों और दूसरा प्रकार है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर बहुत बड़ा भी नहीं करना है कि बहुत एक्सट्रीम लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल होता है उसे मैन कहा जाता है और इसका इस्तेमाल शहर के स्तर पर ज़्यादा किया जाता है ये एक बड़ा सा शहर है ये आपस में लैन से जुड़े हुए हैं और फिर इन सबको हमने जोड़ दिया तो ये मैन का निर्माण करता है तो ये जर्नली बड़े बड़े शहरों में किया जाता है जहां पर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं पूरे शहर में गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन फैले हुए हैं उनको जोड़ने के लिए मैन जैसे नेटवर्क का उपयोग किया जाता है तो सामान्यतः सौ किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है उसे मैन कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है इसका इस्तेमाल शहरों में होता है मेट्रो सिटीज में होता है इसीलिए इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है फिर तीसरे नंबर पर आता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है अब इसमें आ जाता है विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि पूरे महाद्वीप को जोड़ रहे हैं पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़ने में जिस कंप्यूटर का नेटवर्क का इस्तेमाल होगा उसे वैन कहा जाएगा और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है तो इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क भारत है अमेरिका है लंदन है इन सभी को दुनिया में हर जगह जोड़ रहा है तो ऐसा नेटवर्क कुछ एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ता है जैसे एक पूरे देश को महाद्वीप को या पूरे विश्व को उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं उसे हम वैन के नाम से जानते हैं ठीक है तो ये हैं दोस्तों नेटवर्क के प्रमुख प्रकार क्योंकि नेटवर्किंग में ये सवाल बेसिक से आ जाते हैं कि कहाँ किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है तो ये चीजें आपको याद रखनी है अब आगे बढ़ने से पहले ये देखिए जरा लैन की जो रेंज होती है वो जीरो से एक किलोमीटर की होती है मैन की जो रेंज होती है वो जीरो से सौ किलोमीटर की होती है और जो वैन है वो सौ किलोमीटर से ज्यादा होता है पैन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जीरो से दस मीटर में काम करता है मीटर आ मीटर और कैन जो है वो कैंपस तो एक किलोमीटर के आसपास तक काम करता है तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको याद रखनी है चलिए अब कुछ अन्य प्रकारों की बात करते हैं नेटवर्क के तो एक है दोस्तों स्टोरेज एरिया नेटवर्क तो नाम से मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए कि स्टोर करने वाली डिवाइसों को जो नेटवर्क जोड़ता है उसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहा जाता है जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने एक सर्वर रखा है या एक हार्ड डिस्क रखी है यहाँ आपका एक डेटा सेंटर है एक यहां डेटा सेंटर है और एक यहां और इन चारों को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो इस नेटवर्क को एस ए एन के नाम से जाना जाएगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाएगा ये बहुत हाई स्पीड कनेक्शन होता है क्योंकि बड़ी मात्रा में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और इनका बैंडविथ भी ज़्यादा होता है बैंडविथ का मतलब वॉल्यूम ऑफ डेटा और स्पीड का मतलब वही गति कि किस गति से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ठीक है तो एस ए एन जो स्टोरेज डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट करे ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं मुख्य सर्वर है और यहाँ पर अलग अलग स्टोरेज डिवाइस है अलग अलग हार्ड डिस्क है मान लो कि आपकी ड्राइव एक ड्राइव दो ड्राइव तीन पेन ड्राइव चार और ये आपका कंप्यूटर है तो आपने इनको जोड़ दिया कंप्यूटर से तो ये कौन सा नेटवर्क बन गया ये सैन बन जाएगा दोस्तों स्टोरेज एरिया नेटवर्क बन जाएगा फिर इसके बाद है ग्लोबल एरिया नेटवर्क ठीक है वायरलेस उपग्रह आदि में प्रयोग होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अभी तो हम इसके बारे में बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे इंटरनेट वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे समझें लेकिन इसकी क्या है वीपीएन एक ऐसी सर्विस है देखें यहां पर एक ऐसी सर्विस है जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है और साथ में आपके आईपी एड्रेस को दूसरों से छिपाता है इस नेटवर्क का प्रयोग व्यक्तिगत डेटा को हैकर से छुपाने के लिए किया जाता है एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम अ डिवाइस टू अ नेटवर्क अब वीपीएन करता क्या है जैसे मान लीजिए कि ये एक सिंपल कनेक्शन है जिसमें वीपीएन का उपयोग नहीं किया जा रहा तो ये आपका कंप्यूटर है और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और ये इंटरनेट है एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इंटरनेट तो दुनिया भर का है किसी का भी इस पर मालिकाना हक तो नहीं है लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो हो गया एयरटेल हो गया ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं तो मान लेते हैं ये जियो है दोस्तों और ये आपको कंप्यूटर तो बीच में कुछ भी नहीं है सर आप कहेंगे सर हम एंटीवायरस डालते हैं डेट अ डिफरेंट थिंग पर बीच में आपके डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आपकी डिवाइस अब सपोज कीजिए कि आपने एक वीपीएन का इस्तेमाल किया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया तो अब कहानी ये होगी कि ये इंटरनेट बीच में आ गया ठीक है ये तो फिर आपका वीपीएन सर्वर आ गया फिर इंटरनेट प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर है फिर वीपीएन का क्लाइंट है और फिर आपकी डिवाइस है तो यहाँ पर आपकी डिवाइस में आपका आईपी एड्रेस भी छुप गया दूसरा आपका जो डेटा है वो और ज्यादा प्रोटेक्टेड हो गया तो ये वीपीएन का काम होता है वीपीएन बेसिकली क्या करता है आपके आई एड्रेस को दूसरों से छिपाता है और ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के काम आता है हालांकि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में भी वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है पर हर चीज़ दो धारी तलवार है कंप्यूटर में कंप्यूटर का इस्तेमाल आप एजुकेशन और देश को आगे बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करके आप देश का बुरा भी कर सकते हैं ओके तो ये वीपीएन है इसका फुल फॉर्म याद रखना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये हमारे आई एड्रेस को दूसरों से छुपाता है और डेटा को इनक्रिप्ट करता है इनक्रिप्टिड कनेक्शन है ओवर द इंटरनेट ओके तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में तो ये दोस्तों हैं हमारे नेटवर्क के अलग अलग प्रकार यहाँ पर एक चीज और पढ़ें इथरनेट के बारे में कि जो इथरनेट है ये लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने का एक प्रोटोकॉल है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था और ईथरनेट की मदद से ही जो लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इसकी खोज या इसका अविष्कार रॉबर्ट मैटकॉफ ने किया था और आई ट्रिपल ई एट जीरो टू पॉइंट थ्री इसका ऑफिशियल नाम है ईथरनेट का अब आई ट्रिपल ई के बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जितनी भी ये डिवाइसेस हैं इन्हें के एक स्टैंडर्ड नाम होते हैं जैसे इंसान का वैज्ञानिक नाम है होमो होमोशेपियेपियंस तो उसी तरह ये जो ब्लूटूथ हो गया वाईफाई हो गया इन सबके भी वैज्ञानिक या फिर आप कहें कि सर्वर आधारित नाम है प्रोटोकॉल आधारित नाम है तो ऐसे ही ईथरनेट का टेक्निकल नाम क्या है आई त्रिपली एट जीरो 2.3 प्रोटोकॉल इसमें कुछ विशेष नियम होते हैं जैसे होमो सेपियन सेपियंस तो ये बताता है कि इंसान जैसा एक जीव होगा हाड़ मास का जीव होगा बड़ा सा आदमी ऐसा थी कैसा ऐसा -सा दिखेगा वो करके ऐसे ये लोग बताते हैं कि इसमें निश्चित नियम आएंगे इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और इथरनेट में प्रयोग की जाने वाली केबल में नॉइस कम आती है इसलिए ट्रांसफर किए जाने वाले डेटा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है तो ये इथरनेट के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है क्लियर है ये वाला टॉपिक तो हमने नेटवर्क के तहत दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए दोस्तों एक तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि नेटवर्क क्या होता है उसके घटक क्या होते हैं दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है फिर उसमें जो डिवाइज जुड़ती हैं वो नॉड कहलाते हैं हमने अलग अलग प्रकारों को देखा लैन मैन वैन और कुछ अदर टाइप को देखा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंपॉर्टेंट है वीपीएन ठीक है ये आपको याद रखना है अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की नेटवर्क टॉपोलॉजी ये हिंदी में गलत हो गया टैपो नहीं है टोपोलॉजी होता है इंग्लिश में सही है नेटवर्क टॉपोलॉजी तो टॉपोलॉजी का मतलब सिंपल है दोस्तों आकृति शेप जैसे माने कंप्यूटर को हम कई तरीके से जोड़ सकते हैं पहला तरीका क्या है कि हम यहां पर कंप्यूटरों को एक कंप्यूटर फिर दूसरा कंप्यूटर फिर तीसरा कंप्यूटर तो ये इसको कहा जाएगा बस टॉपोलॉजी ये बस जैसा लग रहा है तो ये बस टॉपोलॉजी हो जाएगी दूसरा तरीका क्या है एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया एक कंप्यूटर आप यहाँ जोड़ दिए एक यहाँ जोड़ दिए एक यहाँ जोड़ दिए आपस में गोला खींच दिया तो ये रिंग टॉपोलॉजी हो जाएगी दोस्तों फिर एक तरीका क्या है कंप्यूटर आपने लिया इस तरीके से एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ा एक यहाँ जोड़ा फिर यहीं पे एक और जोड़ दिया एक और जोड़ दिया एक और जोड़ दिया एक और जोड़ दिया तो ये ट्री टॉपोलॉजी हो जाएगी अगर कंप्यूटरों को आपने स्टार के शेप में जोड़ा है कि एक कंप्यूटर यहाँ एक कंप्यूटर यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ तो ये स्टार टॉपोलॉजी हो जाती है कैसे भी जोड़ दिया कैसे भी होता है जैसा मनाया जहा ठीक है तो वो मैश टॉपोलॉजी हो जाती है मैश कुछ भी कर दिया मतलब मैश कर दिया सब कुछ तुमने ठीक है तो वो मैश टॉपोलॉजी हो जाती है जब दो को आपस में जोड़ देते हो तो हाइब्रिड आपने बस और पेड़ दोनों को जोड़ दिया तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है टॉपोलॉजी का सिंपल मतलब क्या है शेप किस तरह की आकृतियां बन रही उन्हीं को टॉपोलॉजी कहा जाता है दोस्तों तो बहुत मुश्किल नहीं है इसको पढ़ना आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है तो छह प्रकार की है देख सकते हैं कि देख लीजिए नेटवर्क की आकृति को टॉपोलॉजी कहा जाता है बस इतना याद रखो मत पढ़ो यहां पे देखो कितने प्रकार की होती है तो एक बस टॉपोलॉजी है स्टार टॉपोलॉजी है रिंग टॉपोलॉजी है मैश टॉपोलॉजी है और फिर ट्री टोपोलॉजी है तो अलग अलग प्रकार होते हैं इसके ठीक है तो ये इतने प्रकार की टॉपोलॉजी होती है बस स्टार रिंग मैश ट्री टॉपोलॉजी एक और होती है यहाँ पे नहीं दी गई है हाइब्रिड टॉपोलॉजी तो छह प्रकार होते हैं वो मैंने नोट्स में ऐड किया है तो आगे आपको मिल जाएगा चलो तो दिमाग में तो क्लियर हो गया ना कि टॉपोलॉजी का मतलब क्या है सिंपल नेटवर्क है उसका शेप है किस तरीके का नेटवर्क दिखता है उसी को हम टॉपोलॉजी का नाम दे रहे हैं आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम बस टॉपोलॉजी की बात करेंगे तो सभी डिवाइस एक मुख्य केबल से कनेक्ट होती है जिसे बैकबोन केबल कहा जाता है गाना भी आया था बैकबोन करके ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय मेन केबल कॉल्ड एस दी बैकबोन केबल ठीक है इसमें सभी कंप्यूटर एक क्रम में होते हैं एक ऑर्डर में होते हैं ये इसका एग्जांपल है ये डिवाइस देख लो आजू बाजू टर्मिनेटर लगा होता है टर्मिनेटर दोनों तरफ लगा होता है यहां पर एक टर्मिनेटर होगा और यहां पर एक टर्मिनेटर होगा और इस तरह से कंप्यूटर जुड़े हैं बिल्कुल बस की तरह कंप्यूटर जुड़े हुए हैं एक सिंपल एक क्रम में बिल्कुल सिंपल थोड़ी भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है एक कंप्यूटर एक साथ एज कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़े हैं ठीक है ये एक मुख्य तार से जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों बस टॉपोलॉजी कहते हैं कि जब कंप्यूटर एक क्रम में एक केबल की सहायता से जुड़े होते हैं तो उसे बस टॉपोलॉजी कहा जाता है अब इससे प्रश्न क्या बनते हैं वो देखने की जरूरत है इसमें कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं संचार जब हम पढ़ेंगे तो हम तीनों चारों केबलों के बारे में पढ़ेंगे हम ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़ेंगे और फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है इसमें एक ही दिशा में डेटा ट्रांसफर होता है जैसे इसमें ईथरनेट केबल और टीबी केबल आदि का इस्तेमाल होता है लाभ क्या है केबल की बहुत कम आवश्यकता होती है इसीलिए यह सस्ता होता है और ये छोटे नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है जैसे लाइब्रेरी आपको बनानी है कंप्यूटर की लैब बनानी है तो उसमें एक लाइन में कंप्यूटर जोड़ दीजिए एक मुख्य लाइन आप लगाइए और फिर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दीजिए बहुत आसानी से काम होगा ठीक है ये बहुत सिंपल नेटवर्क है बहुत सस्ता नेटवर्क है एक ही दिशा में इसमें डेटा जाता है ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेटा फ्लो करेगा इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर इसमें मुख्य केबल खराब हो जाए मान लीजिए कि ये वाली केबल जिसने पूरे नेटवर्क को आपस में जोड़ा है तो अगर ये केबल खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा क्योंकि एक ही केबल है दोस्तों और एक ही केबल से पूरे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो अगर ये केबल खराब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही क्या होगा आपस में खराब हो जाएगा ये बस टॉपोलॉजी के साथ समस्या है ठीक है तो यह मुझे लगता है क्लियर हो गई जब नेटवर्क को एक क्रम में एक सामान्य केबल के द्वारा या कोई केबल के द्वारा जोड़ा जाता है एक ही समस्या है कि अगर मुख्य केबल खराब होगी तो पूरा का पूरा नेटवर्क अपने आप खराब हो जाएगा दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं स्टार टॉपोलॉजी के बारे में स्टार टॉपोलॉजी क्या है समझे सभी लोकल कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस से कनेक्ट होते हैं इसमें केंद्रीय डिवाइस उसमें केंद्रीय डिवाइस नहीं थी ऑल नेटवर्क टॉपोलॉजी विच ईच नेटवर्क कनेक्टेड फिजिकली टू सेंट्रल नॉड ये देखिए यहां पर एक मुख्य डिवाइस है ये मुख्य डिवाइस है दोस्तों और इससे ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं या कोई दूसरी डिवाइस जुड़ी हुई है तो ऐसी टॉपोलॉजी को स्टार टॉपोलॉजी कहा जाता है इसकी परिभाषा यह भी बनती है कि जब अनेक डिवाइस किसी केंद्रीय डिवाइस से स्टार के शेप में जुड़े हुए होते हैं तो उसे स्टार टॉपोलॉजी कहा जाता है दोस्तों इसमें लोकल कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते कभी भी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ मुख्य डिवाइस से जुड़े हुए हैं ना कि लोकल आपस में जुड़े हुए हैं ठीक है तो इसमें आपस में नहीं जुड़ेंगे सिर्फ मुख्य डिवाइस के साथ कंप्यूटर जुड़े रहेंगे यदि हब खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा अगर मान लीजिए कि यह हब मुख्य डिवाइस खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा ठीक है इस टॉपोलॉजी में वायर तथा वायरलेस दोनों तरह का प्रयोग किया जाता है, इस टॉपोलॉजी का उपयोग बड़े नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है एग्जाम्पल एटीएम वाईफाई, इथरनेट, हब स्विच राउटर इन सब जगह पर हम स्टार का उपयोग करते हैं ठीक है तो बस और स्टार में अंतर क्या है बस टॉपोलॉजी में एक मुख्य केबल होती है उसमें एक दिशा में डेटा जाता है और उस मुख्य केबल से पूरी डिवाइस जुड़ी हुई होती है स्टार टॉपोलॉजी में एक केंद्रीय डिवाइस होती है एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके द्वारा पूरे नेटवर्क जुड़े होते हैं स्टार टॉपोलॉजी में कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़ते वो सिर्फ सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़ते हैं यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है जो बस टॉपोलॉजी में थी कि बस टॉपोलॉजी में अगर आपकी मुख्य केबल खराब हो गई तो आपका पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा उसी तरह अगर स्टार टॉपोलॉजी में आपका हब खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं लाभ यहां पर लिखे हुए हैं और प्रॉफिट भी लाभ ये अलग अलग टॉपोलॉजी का एक जगह डायग्राम है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे इसके बाद है दोस्तों रिंग तो रिंग का मतलब इसको सर्कल टोपोलॉजी भी कहा जाता है तो डायग्राम से मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब नेटवर्क को आपस में एक रिंग के शेप में जोड़ दिया जाए तो उसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है उसमें सभी डिवाइस अपनी निकटतम लगी हुई दो डिवाइस से कनेक्ट होती हैं इसीलिए प्रत्येक डिवाइस में दो एनआईसी कार्ड लगे रहते हैं इस टोपोलॉजी में अगर एक लाइन काम करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है इस टॉपोलॉजी को लगाने में कम खर्च आता है इसकी स्पीड अच्छी होती है अब इसमें देखिए फायदा यही है ना कि ये तीन डिवाइस आपस में जुड़ी हुई हैं, बस जुड़ा तो पूरा है लेकिन ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है तो सपोज कीजिए कि अगर ये वाली लाइन खराब भी होती है देन टू एटलीस्ट इनका नेटवर्क बना रहेगा और यह आपस में कनेक्ट रहेंगे तो ये इसका फायदा होता है और इसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है तो ये कौन सी टॉपोलॉजी है दोस्तों इसे रिंग टॉपोलॉजी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे मैश टॉपोलॉजी तो मैश जैसे कि हमने आपको बताया कि कैसे भी आप डिवाइस को जोड़ दो ये देखो इसमें एक कंप्यूटर दूसरे से भी जुड़ा है फिर ये तीसरे से जुड़ा है चौथे से जुड़ा है मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है एक ही कंप्यूटर पता पड़ा तीन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है फिर वो किन दूसरे तीन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो ऐसी टॉपोलॉजी को मैश टॉपोलॉजी कहा जाता है ये बहुत जटिल होती है बहुत टिपिकल होती है और इसमें खर्च भी बहुत आता है दोस्तों देखें इसको कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें अनेक मार्ग होते हैं देख सकते हो आप डायग्राम में ठीक है इस टॉपोलॉजी का प्रयोग लंबी दूरी के नेटवर्क में किया जाता है इसे पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी भी कहा जाता है ठीक है अच्छा मुझे कमेंट करके ये बताना हमने फॉन्ट की साइज को चेंज किया है फोन के शेप को चेंज किया है तो जस्ट बताइएगा कमेंट करके कि ये फॉन्ट अच्छा है या बुरा है आपको समझ आ रहा है प्रॉपर बड़ा खूबसूरत सा दिखता है ये फॉन्ट मुझे लगता है और समझने में आसान है तो आई जस्ट विश की पसंद आ रहा हूँ ना आए तो आप बता देना हम पुराना वाला फॉन्ट कर देंगे ठीक है लाभ क्या है इस टोपोलॉजी में यदि नोड खराब हो जाए तो उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है आ, बहुत सुरक्षित है ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत महंगी है क्यों महंगी है क्योंकि इसमें बहुत सारी केबल और बहुत एनआईसी कार्ड वो होता है इसके द्वारा आप दो नेटवर्क को जोड़ते हैं ठीक है बहुत सारी केबल और बहुत सारे एनआईसी कार्ड की आवश्यकता होगी तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं मैश टॉपोलॉजी कहते हैं दोस्तों चलिए तो मैश टॉपोलॉजी के बाद जो पाँचवें नंबर पर टॉपोलॉजी आती है उसे हम ट्री टॉपोलॉजी बोलते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो की स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम हो गई थी और सच बताऊं तो मेरे लिए तो बहुत 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 बुरी बात थी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात थी क्योंकि हमने वीडियो को शुरू किया बहुत मेहनत से बनाया तो जब आप वीडियो देखें अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा फिर वीडियो बड़ा क्लियर चला है तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो में ठीक है चलिए तब हम ट्री टॉपोलॉजी की बात करेंगे कि ट्री टॉपोलॉजी क्या होती है तो बस टॉपोलॉजी और स्टार टॉपोलॉजी को जोड़ करके जो टॉपोलॉजी बनाई जाती है उसे ट्री टॉपोलॉजी कहा जाता है ध्यान रखिए कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को जोड़ करके जो नई टॉपोलॉजी बनाई जाती है उसे ट्री टॉपोलॉजी कहा जाता है इसमें आप देखिए तो इस ये बहुत अच्छा डायग्राम है ये मेन केबल है जो कि बस टॉपोलॉजी में होती है फिर यहां पर देखिए एक हब लगाया गया है यहाँ पर भी हब है यहाँ पर भी हब है और हब किस में देखा था हमने स्टार टोपोलॉजी में देखा था और इस हब से फिर दूसरे कंप्यूटर या डिवाइसेस जुड़ी हुई है तो ऑलवेज रिमेम्बर कि ट्री टोपोलॉजी का मतलब है बस टोपोलॉजी प्लस स्टार टॉपोलॉजी और इनको जोड़ करके तैयार होती है ट्री टोपोलॉजी आगे देखें तो इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है अभी हम पढ़ेंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है अगला देखें कि इसके लाभ ये हैं कि इस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क का विस्तार करना आसान होता है और अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो उसे ढूंढना भी आसान होता है यह बहुत महंगी होती है कंपैरेटिवली ओके तो अब तक हमने पांच प्रकार की प्रमुख टॉपोलॉजी पढ़ी और हम छठवी टॉपोलॉजी की बात करेंगे विच इज हाइब्रिड टॉपोलॉजी तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है इस शब्द को आप समझिए आपने हाइब्रिड व्हीकल बहुत सुना होगा तो हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें दो अलग अलग क्वालिटी होती है दो अलग अलग गुण होते हैं उसे हाइब्रिड कहा जाता है जब हम हाइब्रिड व्हीकल की बात करते हैं तो एक ऐसा व्हीकल जो कि बिजली से भी चलता है और डीजल और पेट्रोल से भी चलता है तो ऐसे व्हीकल को हम हाइब्रिड व्हीकल कहते हैं तो उसी कंसेप्ट को यहां पर जोड़िए कि जिसमें दो या दो से अधिक टॉपोलॉजी आपस में मिला दी जाए तो उसे हाइब्रिड टॉपोलॉजी कहा जाता है रिमेम्बर कि जो ट्री टॉपोलॉजी है वो भी एक प्रकार की हाइब्रिड टॉपोलॉजी है क्यों क्योंकि उसमें हमने बस और स्टार दोनों को आपस में मिला दिया है और उसके अलावा अगर हम कभी भी ऐसा प्रयोग करते हैं मान लीजिए हमने बस स्टार और रिंग तीनों को मिला दिया कैसे मिला सकते हैं बस स्टार और रिंग को तो अलग तरीके हैं हमने बस और रिंग को मिला दिया और फिर उसमें ट्री को मिला दिया तो इस तरह की जब टोपोलॉजी बनती है तो उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं तो ये दोस्तों हमारे टोपोलॉजी के छह अलग अलग प्रकार थे उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको याद रहेगा सबसे पहले हमने बस टोपोलॉजी को पढ़ा इसमें दो टर्मिनेटर होते हैं और बीच में एक मुख्य केबल होती है और उससे अलग अलग डिवाइस कनेक्ट होते हैं फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर आपको याद होगा हमने एक स्टार टॉपोलॉजी के बारे में पढ़ा इसमें बीच में एक हब होता है और इस हब से डिवाइस अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई होती हैं फिर तीसरे नंबर पर हमने एक ट्री टॉपोलॉजी की बात की उसमें हमने ये पढ़ा कि जब हम बस टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के साथ एक हब बना करके इसमें डिवाइसेस को कनेक्ट कर दें अर्थात जब हम बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को जोड़ते हैं तो ट्री टॉपोलॉजी का निर्माण होता है फिर दोस्तों हमने एक रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा सीधी सी बात है जब आप डिवाइसेस को सर्कल के रूप में जोड़ते हैं तो उसे रिंग टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है फिर आपको याद होगा हमने एक मैश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था एस टोपोलॉजी जिसमें डिवाइस एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट होती हैं और अन्य डिवाइसों के साथ और अन्य डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है उसे मैश टॉपोलॉजी कहा जाता है और हाइब्रिड का मतलब एक ऐसी टॉपोलॉजी जिसमें दो या उससे अधिक टॉपोलॉजी को आपस में मिला दिया जाए तो ये दोस्तों हमारी नेटवर्क टॉपोलॉजी थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की अब आज की क्लास का हम आखिरी टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है नेटवर्क के मॉडल या मॉडल ऑफ नेटवर्क तो नेटवर्क के दो मॉडल हैं एक का नाम है ओ एस आई मॉडल और दूसरे का नाम है टी सी पी आई पी मॉडल यहां पर प्रश्न यही बन सकते हैं कि ये मॉडल क्या है और इन मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं और भी आगे टॉपिक कराना चाहता था आज की क्लास में आपको लेकिन ड्यू टू द टेक्निकल एरर जो हो सकता है फिर से आ जाए हम इस क्लास को यही खत्म करेंगे सेकेंड पार्ट में हम पूरी चीजों को खत्म कर लेंगे ठीक है चलिए तो एक और एस आई मॉडल है और दूसरा टी सी पी आई पी मॉडल है सबसे पहले हम ओ एस आई मॉडल को पढ़ेंगे दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इसका फुल फॉर्म आपको याद रहे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल काहे का मॉडल है ये नेटवर्क का मॉडल है दोस्तों ये नेटवर्क का मॉडल है आगे बढ़े इसका पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरेक्शन मॉडल है इसे आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में विकसित किया था ठीक है तो ये डेवलप किसने किया था आईएसओ ने डेवलप किया था 1984 में ओ एस आई एक रेफरेंस मॉडल और एक काल्पनिक मतलब ये एक हाइपोथेटिकल मॉडल होते हैं यह बताता है कि नेटवर्क में डेटा कैसे भेजा जाएगा और प्राप्त किया जाएगा और इसमें सात लेयर होती है तो जितने भी नेटवर्किंग मॉडल होते हैं तो नेटवर्किंग मॉडल बस यही बताते हैं कि डेटा को भेजा कैसे जाएगा और उसे प्राप्त कैसे किया जाएगा तो इसके लिए दो मॉडल हैं जैसा कि हमने आपको बताया एक ओ मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल और दूसरा टी सी पी आई पी मॉडल इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल भी कहा जाता है तो ये दोनों मॉडल सिर्फ हमें ये बताएंगे कि जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है ये जो ओ एस आई मॉडल है इसमें सात लेयर होती हैं दोस्तों कितनी लेयर होती हैं इसमें टोटल सेवन लेयर्स होती हैं सेवन ठीक है इसमें सात लेयर होंगी ओके और इसमें पांच लेयर होती है प्योरिटिकली इसमें पांच लेयर होती हैं पर प्रैक्टिकली चार लेयर होती हैं ठीक है तो ये हमें इन लेयर के बारे में पढ़ना है तो ये सात लेयर कौन कौन सी हैं एक बार जरा इनके बारे में देख लीजिए तो सबसे पहले होती है फिजिकल लेयर इसमें केबल के द्वारा या वायरलेस तरीके से सबसे पहले आप डिवाइस को कनेक्ट करते हैं फिर होती है डाटा लिंक लेबल उसके बाद नेटवर्क लेयर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजन और एप्लीकेशन लेयर लेयर इसमें सिर्फ एक का नाम जो पीएससी के हिसाब से आपको याद रखना है जिसे हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर तो ये पूछा दो प्रश्न आ सकते हैं कि नेटवर्किंग का जो ओएसआई मॉडल है उसका फुल फॉर्म क्या है तो बताएंगे ओपन स्टैंडर्ड ओपन सिस्टम माफ कीजिए इंटरकनेक्शन मॉडल दूसरा प्रश्न पूछेगा इस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं बताएंगे कि सात लेयर होती है तीसरा प्रश्न पूछेगा कि हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल किसे कहा जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहा जाता है यहाँ पर हमने इसे डिस्क्राइब भी किया है कि जो फिजिकल लेयर होती है ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन है लेकिन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर भी अगर आपको लगे तो इनको एक बार रीड कर लीजिएगा यहाँ पर हमने हिंदी में भी ये लिख दिया है अगर आपको लगे तो इनको एक बार रीड कर लेना कि कौन सी लेयर का क्या काम होता है इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि रीड करके आगे बढ़ जाइएगा ठीक है अब हम दूसरे मॉडल की ओर आ रहे हैं जो है टी सी पी आई पी मॉडल टी सी पी आई पी मॉडल इसका फुल फॉर्म होता है टी सी पी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली दोस्तों जब इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो उसमें इन मॉडलों का बहुत प्रयोग होता है टी सी पी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है टीसीपी का काम क्या होता है डेटा को डिलीवर करना और जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसका काम होता है एड्रेस अब जैसे मान लीजिए कि ये एक सेंडर है इसने दस लोगों को दस अलग अलग मैसेज भेजे ये मैसेज एक बार इंटरनेट में चले गए सिस्टम में चले गए तो इंटरनेट को पता कैसे चलेगा तो इंटरनेट में एक आईपी प्रोटोकॉल होगा वो इन दस मैसेज को एड्रेस बताएगा कि भैया तुम्हें इस पते पर जाना है तो एड्रेस तो पता पड़ गया और इस पते पर ले जाने का काम कौन करेगा तो टीसीपी ये काम करेगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये काम करेगा सचिव वही बात है कि जब हम किसी को पत्र भेजते हैं प्रेम पत्र ही मान लीजिए दोस्तों तो प्रेम पत्र में पते लिखने का काम आपका और हमारा होता है हम पता लिखते हैं और ले जाने का काम किसका होता है अगर फिल्म है तो कबूतर और सामान्य दुनिया में दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते हैं वह है। पत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो जो पोस्टमैन है वह टीसीपी का काम कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफर और डिलीवर कर रहे हैं और जो हम हैं उसमें एड्रेस लिखने वाले वो आईपी का काम कर रहे हैं तो ये इस मॉडल का काम होता है इसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं दोस्तों और इस मॉडल में पांच लेयर होती हैं फिजिकल लेयर डाटा डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर ठीक है यह पैकेट स्विचिंग पर आधारित होता है अब ये पैकेट स्विचिंग क्या है ये भी अभी हम पढ़ने वाले हैं यदि नेटवर्क के एक रास्ते में कोई खराबी आ जाती है तो ये दूसरे रास्ते से डेटा ट्रांसफर करता है ठीक है ये इनकी लेयर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है या आप पढ़ लीजिएगा दिस इज फॉर योर रीडिंग तो ये दोस्तों अच्छा एक टॉपिक और रहेगा माफ कीजिए स्विचिंग तकनीक भी बचा है तो ये हमारे नेटवर्किंग का चौथा टॉपिक था जहाँ हमने नेटवर्किंग के मॉडल को पढ़ा तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं हम नेटवर्किंग के प्रकार और उसके घटक के बारे में पढ़ चुके हैं हमने नेटवर्किंग के अलग अलग प्रकारों का अध्ययन किया हमने टॉपोलॉजी का अध्ययन किया फिर हमने नेटवर्किंग के दो मॉडल्स की बात कर ली अब हमें बात करनी है आखिरी टॉपिक जो नेटवर्किंग का आखिरी टॉपिक होगा दैट इज स्विचिंग टेक्निक या स्विचिंग तकनीक इसका मतलब यह है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा कैसे जाता है किस तरह से भेजा जाता है वो बताया गया है तो स्विचिंग तकनीक यह एक ऐसी प्रक्रिया है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है इस तकनीक का उपयोग बहुत बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है ये तीन प्रकार की होती है दोस्तों खास तौर पर एक होती है सर्किट स्विचिंग दूसरी होती है पैकेट स्विचिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी का इस्तेमाल करते हैं डेटा भेजने के लिए हम स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पर सामान्यतः और तीसरा होता है मैसेज स्विचिंग ये और सर्किट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पैकेट स्विचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या होता है दो या दो से अधिक डिवाइस के मध्य पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन स्थापित किया जाता है इस तकनीक में डेटा ट्रांसफर होने से पहले यूजर के मध्य कनेक्शन स्थापित होता है उदाहरण टेलीफोन सिस्टम सिंपल सी बात है सर्किट स्विचिंग का मतलब यह है सपोज कीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई सूचना भेजनी है तो सीधे आप सूचना नहीं भेजेंगे पहले इनके बीच में एक कनेक्शन और ये कनेक्शन सामान्यतः केबल या वायर के द्वारा होता है तो पहले आप एक वायर बनाएंगे एग्जाम्पल टेलीफोन ऐसा तो है नहीं कि टेलीफोन लाइन नगी नहीं पहले के जमाने में कि टेलीफोन लाइन नगी नहीं और बच्चे वाला टेलीफोन लेकर के आए फोन कर दिया लग जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पहले एक टेलीफोन लाइन बिछाई जाएगी एक फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाया जाएगा और जब ये लाइन बिछ जाती है फिर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो ऐसी डेटा को या डेटा को भेजने की इस तकनीक को हम सर्किट स्विचिंग का नाम देते हैं दोस्तों क्या नाम देते हैं सर्किट स्विचिंग का नाम देते हैं जब इस तरह से डेटा को भेजा जाता है ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आती है पैकेट स्विचिंग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है समझें इसको क्या होता है जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर एक मैसेज लिखा बड़ा प्यारा मैसेज है अलग अलग कोड वर्ग में लिखा जाता है ठीक है ये आपने एक मैसेज लिखा आई फोर वाई ये एक मैसेज है जो इसे समझते हैं वो इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं जो नहीं समझते उनके लिए आई फोर वाई ही रहना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़े तो जैसे आपने ये मैसेज भेजा आई फोर वाई तो ऐसा नहीं होगा कि ये सीधा चला जाए ये यहां पर एक व्यक्ति है एल नाम का और यहां पर एक महिला है जो कि मैं फिर पुरुष जो भी आप कहना चाहे वो पुरुष होंगे महिला होंगी एल और एम नाम इन दो मैसेज भेजा तो एल ने एम को मैसेज भेजा है आई फोर वाई तो ऐसा नहीं होगा कि ये सीधा चला जाए ये मैसेज पहले छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा एक हिस्से में आई जा सकता है एक में फोर जा सकता है और एक में वाई जा सकता है तो ये जो छोटे छोटे हिस्सों में यह मैसेज टूटा है इन्हें पैकेट कहा जाता है डेटा पैकेट क्या कहा जाता है दोस्तों इन्हें डेटा पैकेट कहा जाता है फिर ये अलग अलग तरीके से जाएंगे ये किस रास्ते रास्ते से से एक उस रास्ते से, अलग अलग रास्ते चुनेगा ठीक है और जब ये एम के पास पहुंचने वाला होगा तो वापस से ये आपस में मिल जाएंगे दोबारा से मैसेज बनेगा वाई फोर बाय और एम तक पहुंच जाएगा इस तकनीक को कहा जाता है पैकेट स्विचिंग टेक्निक इस चीज का इस्तेमाल हम इंटरनेट में करते हैं दोस्तों ठीक है तो अब मुझे लगता है पैकेट स्विचिंग बड़ा क्लियर होगा इसे दोस्तों स्टोर इस और फॉरवर्ड तकनीक भी कहा जाता है इसमें पूरा मैसेज एक साथ नहीं भेजा जाता बल्कि मैसेज को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं जिन्हें पैकेट कहा जाता है प्रत्येक पैकेट के पास अपना एक सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट ठीक है ये इस तरीके से काम करता है ये मैसेज है मैसेज को तोड़ दिया छोटे छोटे भागों में और फिर जब यहाँ पहुंचेगा तो वो भाग आपस में जुड़ जाएंगे तो ये सेंडर और ये रिसीवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल कौन करता है जो अभी हमने टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा वह भी पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है ठीक है आगे बढ़े ठीक है देखिए यहां पर लिखा भी हुआ था मुझे लगता है इसका समझ में आएगा आपको कि टीसीपी पैकेट स्विचिंग तकनीक पर आधारित होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है चलिए आगे बढ़े इसके बाद आखिरी में आता है नॉट इम्पॉर्टेंट मैसेज स्विचिंग इसके लिए किसी विशेष मार्ग की जरूरत नहीं होती किसी कंप्यूटर से भेजा गया मैसेज पहले नेटवर्क में जाता है उसके बाद माध्यम खाली होने पर दूसरे नोड में ये इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ लेना इसका एग्जांपल है ईमेल बस इतना याद रखना कि ई में हम मैसेज स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं दैट्स इट तो ये है दोस्तों आपका नेटवर्क वाला टॉपिक जो हमने शुरू किया था इस टॉपिक से पढ़ना तो हमने नेटवर्किंग के बारे में भी लगभग लगभग क्या पढ़ ही लिया सब कुछ ठीक है उसमें लगभग जैसा कुछ नहीं है तो हमने ये पांचों टॉपिक कंप्लीट कर लिए पहले हमने नेटवर्क को समझा क्विक रिवीजन करें मेरे साथ दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं नेटवर्क से जुड़ी हुई डिवाइसों को नॉड कहा जाता है नेटवर्क के प्रकार हमने पढ़े लैन लैन के अंदर पैन अर्थात पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन कैंपस एरिया नेटवर्क और एक और हमने उसमें पढ़ा था डब्ल्यू एल ए एन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क फिर लैन के बाद दूसरा हमने पढ़ा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 100 किलोमीटर तक की रेंज के कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए फिर हमने वैन पढ़ा वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए फिर एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क पढ़ा एक ग्लोबल एरिया नेटवर्क पढ़ा फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा नेटवर्क जो कि इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है और आईपी एड्रेस को छिपाने का काम करता है ठीक है फिर इसके बाद हमने नेटवर्क की टॉपोलॉजी पढ़ी हमने नेटवर्क की टॉपोलॉजी में पांच छह प्रकार की टॉपोलॉजी पढ़ी बस टॉपोलॉजी स्टार टॉपोलॉजी जिसमें हब होता है ट्री टॉपोलॉजी जो बस और स्टार को मिलाकर के बनती है फिर रिंग टॉपोलॉजी मैस टॉपोलॉजी और हाइब्रिड टॉपोलॉजी फिर दोस्तों हमने नेटवर्किंग के दो मॉडल पढ़े ओ एस आई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जिसमें सात लेयर होती हैं सेवन डिफरेंट लेयर होती हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो हार्ट ऑफ ओ एस आई मॉडल होती है पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है फिर हमने टी सी पी आई पी मॉडल पढ़ा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल का काम डेटा को डिलीवर करना होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, का काम डेटा को एड्रेस जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं वो प्रोवाइड करना होता है इसमें कुल पांच लेयर होती हैं पांच डिफरेंट लेयर पाई जाती हैं फिर दोस्तों हमने बात की स्विचिंग तकनीकों की तीन स्विचिंग तकनीकें हैं सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग सर्किट स्विचिंग में पहले आपको फिजिकली कनेक्शन स्टेब्लिश करना होगा सच एस टेलीफोन कि पहले दोनों के पास टेलीफोन होना चाहिए और टेलीफोन की लाइन होनी चाहिए ठीक है फिजिकल लाइन जैसे वायर वाला टेलीफोन होता था पहले ठीक है तो वो होना चाहिए फिर आप मैसेज को भेज सकते हैं पैकेट स्विचिंग में मैसेज पहले अलग अलग भागों में टूटेगा जिसे पैकेट कहा जाएगा फिर मैसेज दोबारा जुड़ेगा और पहुंचेगा इसका इस्तेमाल हम इंटरनेट में करते हैं और मैसेज सर्किटिंग uh, में क्या होता है ईमेल इसका एग्जांपल है पहले एक मैसेज होगा फिर वो स्टोर होगा फिर वो खाली होगा फिर दूसरा मैसेज आएगा नॉट सो इम्पॉर्टेंट ठीक है इसके अलावा दोस्तों हमने आज दो और टॉपिक पढ़े सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की थी तो शुरुआत हमने आई के परिचय और अर्थ से की थी तो हमने इसके परिचय को समझा आईसीटी क्या होता है दोनों के अंतर को समझा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या होता है सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है फिर दोनों को जोड़ करके हमने समझा आधारभूत जानकारी के अंदर हमने इकाइयों को समझा कि एक बिट में जीरो या वन होता है आठ बिट जब मिलती हैं तो एक बाइट बनता है 1024 बाइट बनते हैं तो एक के बी बनता है 1024 के बी बनते हैं तो एक एम बी बनता है ऐसे हमने उसको समझा हमने मेगा गीगा और टेरा इन सब के अलग अलग घातों को समझा कि किसकी वैल्यू कितनी होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया फिर हमने आवृत्ति और तरंग धैर्य को समझा कि आवृत्ति तरंग धारी क्या होती है जो रेडियो वेव होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होती है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है ठीक है फिर हमने कुछ शब्दों को भी समझा कि ट्रांसड्यूसर का क्या काम है एम्पलीफायर क्या करता है तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली ऊर्जा के रूप को बदलता है जो एम्पलीफायर है वो तरंग की शक्ति को बढ़ा देता है ये भी हमने डिस्कस किया ठीक है तो ये कुछ बेसिक बातें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की अब जो अगली क्लास हमारी आएगी मोस्ट प्रोबेबली तीन या चार दिन के बाद अगली क्लास आएगी उसमें हम आई को कंप्लीट कर लेंगे सारी बातें हम आईसीटी के बारे में पढ़ लेंगे फिर कंप्यूटर पर एक अलग से लेक्चर बनेगा वहां पर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा माफ़ी एक तकनीकी समस्या आई उसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ा आपसे कहीं गुना ज्यादा परेशान मैं हो जाता हूं क्योंकि बहुत एफर्ट लगे हैं ये वीडियो बनाने में ओनली आई कैन अंडरस्टैंड या जो मेरे साथ काम करता है वो समझ सकता है कि कंटेंट को बनाने में उनको अरेंज करने में फिर डिलीवर करने में टेक्स टाइम ठीक है उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अपना सपोर्ट बनाए रखिए आपसे फिर मिलेंगे सूचना और प्रौद्योगिकी के अगले पार्ट के साथ तब तक एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा के लिए ये वो सारे विषय हैं जो मैंने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए हैं उन्नीस जून के बाद हमारा इतिहास का कोर्स वहाँ पर शुरू हो रहा है बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए हम इतिहास पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे मुख्य परीक्षा के लिए तो अगर आप अन ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ आप मेरा कोड एस डी लाइव जरूर इस्तेमाल करें सिर्फ चौदह हज़ार आठ सौ उनचास रुपये में आप दो साल का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेज भी आपके सामने लिखे हुए हैं थैंक यू थैंक यू सो मच आपको पता है पीडीएफ डी कहाँ मिलेगा सारी बातें आप जानते हैं अपना ख्याल रखिए आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर लेट्स इट और बहुत मेहनत करो दोस्तों रिमेंबर जो हमने स्ट्रैटेजी शुरू में बनाई थी थैंक यू गैस टेक केयर